यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर टू कॉमर्स एज वेल एज पेपर नंबर टू मैनेजमेंट, दोनों का एक कॉमन यूनिट जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक्स। अगर बात करता हूं हमारे पेपर नंबर टू कॉमर्स के अंदर, तो पेपर नंबर टू कॉमर्स के अंदर तो ये है अपना यूनिट नंबर थर्ड, दैट इज अ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और अगर पेपर नंबर टू मैनेजमेंट की अगर बात करता हूं, तो पेपर नंबर टू मैनेजमेंट के अंदर जो है वो है अपना ये जो फर्स्ट यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का। हालांकि इसका एक छोटा सा पार्ट ही है वो, ठीक है। तो अपनी जो फर्स्ट यूनिट है जो है मैनेजमेंट वालों की, तो उसके अंदर जो अपना चैप्टर बनता है, डेट इज द चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। वैसे चैप्टर नंबर 5 भी जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, तो चैप्टर 5, 6, 7 जो है वो है किसके, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और एक चैप्टर 8 और 9 जो है वो था आपका किसका, मैक्रो का, जिसमें नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन है। तो हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, हम आज के क्लास में पेपर नंबर टू जिनकी कॉमर्स है उनको तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स हम आज की क्लास में रिवाइज करेंगे, और पेपर नंबर टू जिनका मैनेजमेंट है उनकी फर्स्ट यूनिट का पार्ट वन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सर, इसका मतलब समझ नहीं आया। इसका मतलब ये है, फर्स्ट यूनिट जो है मैनेजमेंट वाले बच्चों की, तो उनका फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है ये चैप्टर्स है, टोटल मिला के जो है वो 10 चैप्टर्स है। तो हम आज की क्लास में 10 में से जो है ये 2-3 चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे जो बड़े चैप्टर है, और रिमेनिंग चैप्टर का सेकेंड वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कल, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम आज की क्लास में पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला वो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। बात समझ में आया क्या जी? तो इसका मतलब ये हो गया, पेपर नंबर टू मैनेजमेंट वालों का यूनिट नंबर फर्स्ट कवर हो रही है, और पेपर नंबर टू कॉमर्स वालों के लिए यूनिट नंबर थर्ड कवर हो रही है। बात समझ में आ गया क्या जी? सर, सर क्या क्या करने वाले हैं? अगर मैं कॉमर्स वालों की बात करता हूं, तो कॉमर्स के अंदर जो है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट सिलेबस थोड़ा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मैनेजमेंट। जैसे कॉमर्स के अंदर जो है वो इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक है, डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन है, कॉस्ट कर्व है, रेवेन्यू है, मार्केट है, प्राइसिंग डिसीजन है। जबकि आज हम क्या करने वाले, आज हम चैप्टर नंबर 3 से चैप्टर नंबर 10 बोले तो 8 चैप्टर हम आज की क्लास के अंदर जो है वो रिवाइज करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है जी? सर, अब ये 8 चैप्टर जो हम आज की क्लास के अंदर रिवाइज करेंगे, इन 8 में से जो है वो मैनेजमेंट में जो जो कॉमन है वो है डिमांड वाले 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 और 4 डिमांड और इलास्टिसिटी, चैप्टर 5 और 6 कॉमन है यूटिलिटी का और इंडिफरेंस का, लेकिन चैप्टर 7, 8, 9, अच्छा एक चैप्टर नंबर 10 भी कॉमन है मार्केट स्ट्रक्चर का, लेकिन चैप्टर 7, 8, 9 जो है ना, जो है आपका लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, कॉस्ट कर्व, रेवेन्यू, ये मैनेजमेंट वाले मैनेजमेंट के सिलेबस के अंदर नहीं है, बट इन तीनों चैप्टर्स का जो है वो मार्केट में बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए आप भी एक बार साथ साथ में जो है वो रिवाइज कर लेना। मतलब ये जो वीडियो है ये पूरी की पूरी कॉमर्स वालों को तो लगानी है, और साथ में मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट जो है वो भी आप लगा लेना। हालांकि आपके लिए जो है ये जो प्रोडक्शन फंक्शन का टॉपिक है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी पूछ सकता है, क्योंकि जब आप मार्केट एनालिसिस करते हो ना, तो मार्केट में इक्विब्रियम अपने को सेट करना होता है, और इक्विब्रियम जो है वो कॉस्ट और रेवेन्यू के बेस पर होता है, और कॉस्ट डिपेंड करती है प्रोडक्शन के ऊपर। तो इसलिए प्रोडक्शन, कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू, वो आपको तीनों करना है, ठीक है ना। और हालांकि जब मैंने आपको सिलेबस करवाया था, तो मैंने वहां पे आपको जो है वो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी करवा दिया था, ताकि जब मैं मार्केट स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना जी। सर, तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो कॉमर्स की यूनिट नंबर थर्ड है इसका चैप्टर नंबर 3 से लेकर के जो मेन चैप्टर है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 से लेकर के और चैप्टर नंबर 10 तक हम पढ़ने वाले हैं। बाकी के जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है थ्योरिटिकल है, वैसे इसका जो रिविजन वीडियो मैंने एक डाला भी हो वहां से आप कर सकते हो। प्राइसिंग का चैप्टर थ्योरिटिकल है, आप कर सकते हो आराम से। जो मेन टेक्निकल चैप्टर है वो हम आज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके जी सर, ये हमारा ना अभी हम लोगों ने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है, ठीक है। तो रिवीजन सीरीज का ये एक पार्ट है, इससे पहले हम लोग जो है इंटरनेशनल बिजनेस कर चुके हैं, अकाउंट्स कर चुके हैं, कॉमर्स की बात कर रहा हूं, कॉमर्स में आईबी कर चुके हैं, अकाउंट्स कर चुके हैं, फाइनेंस कर चुके हैं, टैक्स वाला कर चुके हैं, तो अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद में जो है वो यूनिट नंबर 6 मैनेजमेंट भी करवाऊंगा आपको। वही अगर मैनेजमेंट की बात करता हूं, वहां पर हम एसएम कर चुके हैं, वहां पर मार्केटिंग का एक पार्ट जो है वो हम लोग कर चुके हैं एप्लीकेशन के ऊपर, और साथ में हम लोग जो है यूनिट नंबर 4th भी कर चुके हैं, 5th कर चुके हैं, ये हमने कर लिया है। तो अभी आज जो है वो हम लोग करने वाले हैं मैनेजमेंट की यूनिट फर्स्ट और कॉमर्स वाले की यूनिट नंबर 3। ओके जी, अगर बात करता हूं इकोनॉमिक्स का कौन कौन से चैप्टर आज हम करने वाले हैं, आ जाओ जी एक बार 2 मिनट में हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो हम इकोनॉमिक्स में करेंगे आज एक तो ये डिमांड वाला, एक करेंगे इलास्टिक डिमांड, एक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ये दोनों चैप्टर एक है, ये दोनों चैप्टर एक है। फिर हम पढ़ेंगे लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, दैट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन, एक पढ़ेंगे कॉस्ट कर्व का, एक पढ़ेंगे रेवेन्यू, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे किसको, मार्केट को। ओके, ये पूरा का पूरा टॉपिक आज की वीडियो में अपने को डिस्कस करना है। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले जो है वो कहां से, हमारे
चैप्टर दैट इज द डिमांड से, कहां से करने वाले, डिमांड से। ओके जी सर, तो अगर डिमांड की बात करता हूं, आ जाओ जी डिमांड के ऊपर। आपको बस जस्ट करना क्या है, आप अपनी बुक खोल के बैठो सामने, ठीक है ना, जो बुक आपको हमने प्रोवाइड की है वो आप सामने खोल के बैठिए आराम से और बस लगाते जाइए, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो भी ओवरराइटिंग है मैंने सारा का सारा आपको जो है करवाया है, ए टू जेड चीज आपने जो नोटिंग करके, अगर आपने अलग से कॉपी मेंटेन की हुई थी तो कॉपी भी साथ में लेके बैठो और बुक भी साथ में लेके बैठो, बस वीडियो लगाओ, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स आपका यहीं पर जो है वो सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना जी सर। तो अभी हम शुरू करेंगे। अच्छा, लेक्चर शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2023 या दिसंबर 2022 में जो एंटीनेट का पेपर होना, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको मैं बताना चाहूंगा, हम लोग उसके लिए ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको मिलेगा पेपर नंबर 1 जो जनरल पेपर है, प्लस पेपर नंबर 2 अगर आप कॉमर्स हैं तो कॉमर्स का सेपरेट बैच, मैनेजमेंट से कोर 17 तो मैनेजमेंट का सेपरेट बैच हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हम जो आपको ऑनलाइन बैच देंगे उसमें आपको आपके घर पे बैठे बैठे क्या क्या मिलने वाला है, हर यूनिट के पहले तो स्टडी मैट मिलेगा, 20 किताबें, 10 पेपर 1 की 10 पेपर 2 की, फिर मिलेगा आपको सारा का सारा वीडियोस लेक्चर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, हर यूनिट का चैप्टर वाइज जो है वो वीडियो लेक्चर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अपलोडेड है, रिकॉर्डेड लेक्चर से सारे सारे अपलोड है, आप अपनी ईज के हिसाब से लगाइए। तीसरा आपको मिलेगा हर यूनिट की रिवीजन वीडियो लाइक दिस, जैसे ये रिवीजन वीडियो है आपने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, देन उसके बाद में एक रिवीजन वीडियो लगाइए और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्या हो जाएगा, गो थ्रू हो जाएगा। और साथ में प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे प्रैक्टिस के एमसीक्यूज हमारे टेलीग्राम के ऊपर, तो अगर आप इंटरेस्टेड है नीचे नंबर दिया हो इसके ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और साथ में जो है डेमो के अगर लेक्चर देखना हो तो हमारे चैनल पर जाइए मोहित शर्मा क्लासेस, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, ऐसे नई नई वीडियोज आपको और भी मिलेंगी तो आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी, ठीक है ना जी सर। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है वो आ रहा है अपना डिमांड, डिमांड का मतलब जो है वो क्या है, बोलते हैं डिमांड जो है उसको स्पेशल सेंस के अंदर हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। जब डिमांड को पढ़ते हो डिमांड के लिए हमारे पास है तीन चीजें आती है, एक आता है डिजायर और एक है वांट और एक है डिमांड। डिजायर जो है वो क्या है, विशफुल थिंकिंग है, अगर आपको किसी चीज की इच्छा है लेकिन आपके पास में जो है वो उस चीज को परचेस करने के लिए जो है परचेसिंग पावर नहीं है तो उसको बोलते हैं ओनली क्या, डिजायर। तो डिजायर इज जस्ट द विशफुल थिंकिंग। ये डिजायर जो है वोंट कब बनती है, जब आपको जो है वो कोई सामान चाहिए और आपको आपके पास उसको परचेस करने के लिए पैसे भी है लेकिन अभी आप उस पैसे को जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करना नहीं चाहते तो वो होगा क्या आपका, वोंट। और डिमांड कब बनेगा, जब आपको जो है किसी चीज की इच्छा भी है, आपकी डिजायर भी है और उस डिजायर को पूरा करने के लिए आपके पास परचेसिंग पावर भी है और आप अपने उस पैसे को जो है उस डिजायर को सेटिस्फाई करने में लगाना भी चाहते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड। तो डिमांड की बात करो, डिमांड जो है वो क्या, डिमांड के अंदर बेसिकली जो है वो क्या आएगा, डिमांड therefore is expressed with reference to the price and a given time. Demand is defined as a quantity of a product that the consumer is not only desire. ऐसा नहीं कि consumer सिर्फ desire करता है to purchase and able to purchase, but is also ready होता है to purchase at given price at the given point of time. तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड, ठीक है जी। अब डिमांड जो है वो क्या, वो दो तरह की है, एक है आपका इंडिविजुअल डिमांड और एक है आपका कौन सा, मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या हो गया, एक प्रोडक्ट की एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा जो डिमांड की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड का मतलब क्या, एक जो प्रोडक्ट है उसकी पूरी मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर अवेलेबल है उन सबके द्वारा जो डिमांड की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केट डिमांड। अब डिमांड की अगर बात करते हैं, डिमांड के पांच कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, आपको मैंने करवाया था, एक होता है डिजायर, सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिजायर। दूसरा उस डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए मनी। तीसरा विलिंगनेस भी होना चाहिए, पैसा तो है लेकिन पैसे को खर्च करना चाहते तो डिमांड नहीं बनेगा, तो डिमांड के लिए थर्ड कंडीशन इज विलिंगनेस होना चाहिए। चौथा रिलेशन है किसका, प्राइस का एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। तो प्राइस और क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, रिलेशन होता है, अगर नॉर्मल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर बाकी सारी बातें जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, मतलब सेटरिस पेरिबस, तो प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड क्या होती है, कम होती है, और प्राइसेस के कम होने पर डिमांड जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। एंड फिफ्थ इज द रिलेशनशिप ऑफ द टाइम एंड द क्वांटिटी ऑफ द क्वांटिटी कमोडिटी डिमांडेड। इसका मतलब क्या है, जो डिमांड की बात करते हैं, जो डिमांड जो है उसको एक पर्टिकुलर टाइम में जो है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं। तो इसका मतलब डिमांड जो है कमोडिटी का, इट शुड बी एक्सप्रेस एज ए रेट एट विच अ सर्टेन क्वांटिटी इज डिमांडेड पर यूनिट ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस। इन अदर वर्ड्स, डिमांड इज ए फ्लो एक्टिविटी। डिमांड जो है वो क्या है, फ्लो एक्टिविटी है। ओके, अब पढ़ेंगे यहां पे हम लोग जो है डिमांड कर्व जो है वो कैसा होता है, जर्नी। डिमांड कर्व का स्लोप जो है वो कैसा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये हो गया कि प्राइस में और डिमांड के अंदर जो है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन होता है। क्वेश्चन ये आता है कि डिमांड कर्व जो है स्लोप डाउनवर्ड क्यों है। नॉर्मली तो हम ये बोलते हैं डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन, लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो उसके पांच रीजन है। सबसे पहला रीजन है लो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये बोलता है कि जैसे जैसे अगर एक पर्सन जो है वो मोर एंड मोर एक प्रोडक्ट की मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करेगा तो हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो क्या होता रहेगा, डिमिनिश होता रहेगा। इसीलिए जब यूटिलिटी अपने को कम मिल रही है तो हम पेमेंट भी क्या करेंगे, कम करेंगे। इसका मतलब ये हो गया, अगर प्राइस ज्यादा है तो हम डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। सेकंड इज द इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट ये बोलता है बेसिकली कि जब
प्राइसेस जो है वो किसी प्रोडक्ट के अगर बढ़ते हैं तो हमारी जो रियल इनकम जो परचेजिंग पावर होती है वो हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम उसकी डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये बोलता है अगर मान लो किसी कमोडिटी के प्राइसेस जो है वो क्या हो गए, बढ़ गए, तो उसके कंपैरिजन में उसकी जो दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना उसके रेट हमको जो है वो क्या लगे, सस्ते लगेंगे, तो हम पहली वाले का कंजम्पशन बंद कर देंगे, दूसरी वाले को परचेस करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। थर्ड इज अ डिफरेंट यूज, अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो सस्ता होता है तो उसके एक से ज्यादा यूज होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए उसकी डिमांड जो क्या होती है, बढ़ जाती है। एंड फिफ्थ इज द साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप बेसिकली ये बोलता है कि जब मान लीजिए जब प्राइसेस जो कम होते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर जो पहले उसको यूज नहीं करते वो भी उसको यूज करना शुरू कर देंगे, तो डिमांड जो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये पांच रीजन है जिसकी वजह से हम लोग जो है वो ये बोलते हैं कि प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है, प्राइसेस के कम होने पर डिमांड बढ़ती है। अब क्वेश्चन ये आता है डिटरमिनेंट्स क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एक प्रोडक्ट की डिमांड को जो है वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो है प्राइस। नॉर्मल केस के अंदर हम ये बोलते हैं इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो प्राइसेस के बढ़ने पर जो है वो डिमांड क्या होगा, कम, और प्राइसेस के कम होने पर डिमांड क्या होगा, ज्यादा। तो मतलब प्राइस में डिमांड में जो रिलेशन है वो कौन सा है, वो है जी आपका इनवर्स रिलेशन। सेकंड इज द इनकम। इनकम की अगर बात करें तो अब यहां पे हमने जो है वो गुड्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एसेंशियली बेसिक कंज्यूमर गुड्स के लिए हम ये बोलते हैं प्राइसेस के बढ़ने, इनकम के बढ़ने पर इनकी डिमांड जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन एसेंशियल गुड्स के केस के अंदर जो है वो क्या होता है, एक लिमिट तक ही आप डिमांड को बढ़ाते हो, उसके बाद अगर आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए लेकिन एसेंशियल गुड्स की डिमांड जो है वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तभी आप देखिएगा यहां पर यह बढ़ा और बढ़ने के बाद यहां पर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। डेट मीन्स की इनकम अब आपकी कितनी भी बढ़ जाए, इनकम को डिनोट करते हैं वाई से, इनकम कितना भी बढ़ जाए बट इनका डिमांड क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद नॉर्मल, नॉर्मल गुड्स के ऊपर जो है कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल गुड्स के केस के अंदर इनकम के बढ़ने पर जो है डिमांड रेगुलर क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जितना इनकम बढ़ेगा उतना नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। थर्ड इज द इनफीरियर। इनफीरियर गुड्स के केस के अंदर उल्टा होता है। इनफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, जब जैसे जैसे जो इनकम अगर आपकी बढ़ती है तो आप इनफीरियर गुड्स की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि आप नॉर्मल के ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट। और अगर इनकम आपकी कम होगी तो आप इनफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। लग्जरी गुड्स के केस में भी नॉर्मल गुड्स वाला कंडीशन लगती है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप लग्जरी गुड्स की डिमांड जो है वो क्या करोगे, ज्यादा करोगे। फिर आपका टेस्ट प्रेफरेंस, अगर आपको कोई चीज टेस्टी लगेगी या आपकी प्रेफरेंस बन जाएगी तो आप उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, और जिसके लिए आपकी प्रेफरेंस नहीं है तो उसकी डिमांड कम होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरह के, एक है आपका सब्स्टिट्यूट, एक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस के अंदर ये बोलते हैं अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के, पहली बार सब्स्टिट्यूट गुड्स होती कौन सी है जिसका एक की बजाय दूसरे को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए आप जो है चाय और कॉफी का नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं कि चाय की जगह हम कॉफी को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो चाय जो है वो क्या होगी, कॉफी की सब्स्टिट्यूट, या कॉफी जो है वो चाय की क्या होगी, सब्स्टिट्यूट हो गई है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस के अंदर हम लोग ये बोलते हैं अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस जो है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जो दो गुड्स मिलकर जो है वो किसी एक यूज को जो है वो क्या करती है, पूरा करती है, तो उसको बोलते हैं हम जनरली कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर ये बोलते हैं अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रेट जो है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो दूसरे की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर है आपका क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर के अंदर जो है वो प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो वो आज बढ़े हुए प्राइस के ऊपर भी जो है डिमांड क्या करेगा, ज्यादा करेगा। और अगर लगता है फ्यूचर में रेट कम होंगे तो हम क्या करेंगे, हम आज जो है वो डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अगर आप बढ़ाओगे तो आपकी जो डिमांड है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अगर कम करोगे तो डिमांड के ऊपर भी इंपैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम द सोसाइटी। अगर इनकम ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी को जो है वो समान इनकम मिली है, तो आपकी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो बढ़ेगी। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो वहां पे आपका जो प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। आगे पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट अगर आपको ऐसी है जो आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, आपके ऊपर टैक्स कम लगा रही है, ठीक है ना, और आपको कोई सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है, ग्रांट प्रोवाइड कर रही है, तो आप प्राइसेस कम रखेंगे तो आपका डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर क्लाइमेट अगर आपके फेवर में रहेगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। लाइक गर्म कपड़ों की डिमांड जो है वो क्या होता है, सर्दी के अंदर बढ़ती है, तो अगर सर्दियां ज्यादा पड़ेंगी तो गर्म कपड़ों की डिमांड जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो एसी का डिमांड जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद है लो ऑफ डिमांड। सबसे मेन चीज जो है यहाँ पे वो है लो ऑफ डिमांड। तो डिमांड फंक्शन की अगर बात करते हैं या फिर डिमांड की अगर बात करें, थ्योरी ऑफ डिमांड का बात करें, उसके अंदर मेन दो आपके जो है वो एस्पेक्ट आते हैं, एक है आपका क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। तो लो ऑफ डिमांड जो है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। ये बेसिकली ये रिलेशन मेंटेन करता है दो वेरिएबल्स के बीच में, एक है आपका प्राइस और एक है आपका डिमांड। ये बोलता है लो ऑफ डिमांड इफ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। इसका मतलब ये है अगर बाकी सारी बातें जो है वो क्या रहे, इक्वल रहे, उनमें कोई भी चेंजेस ना हो। अदर थिंग्स कौन सा, अदर थिंग्स के अंदर वो सब फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ऊपर जो हमने पढ़े हैं। तो ये बोलता है अगर बाकी सारी बातें कांस्टेंट रहे तो प्राइस में
और जो डिमांड है उसके अंदर रिलेशन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, इनवर्स, मतलब प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कम होगी और प्राइसेस के कम होने पर डिमांड बढ़ेगी। ये बोलते हैं जी आपका लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड जो है अगर हम बात करें अजम्पशन के अंदर वही सब आएगा, अदर थिंग्स में क्या क्या आते हैं जो ऊपर फैक्टर्स हमने पढ़े। अब कैरेक्टरिस्टिक के लॉ ऑफ डिमांड का सबसे पहला है इनवर्स रिलेशन, प्राइस और क्वांट डिमांड में जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स है। दूसरा, यहां पर प्राइस जो है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपका डिमांड है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तीसरा, अदर थिंग्स में वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। चौथा, रिलेटेड विद द टाइम, जो आपका लो ऑफ डिमांड है वो एक पर्टिकुलर टाइम से जो है वो क्या है, रिलेटेड है। लो ऑफ डिमांड इज रिलेटेड विद ए पॉइंट ऑफ टाइम, से ए डे और ए वीक और ए मंथ और ए ईयर। और ये क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, ये मैग्नीट्यूड नहीं बताता, ये बताएगा डायरेक्शन की, प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है और प्राइसेस के कम होने पर डिमांड बढ़ती है। फिर आएगा एक्सेप्शन ऑफ लो ऑफ डिमांड, इसका मतलब क्या है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहां पे आपका लो ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। मतलब वैसे डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पे डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड ना होगा, वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सेप्शन टू द लो ऑफ डिमांड। इसके अंदर सबसे पहले आएगा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलंग गुड्स। वेबलंग गुड्स वो क्या होती है, लग्जरी गुड्स होती है, उनके केस के अंदर जो है लो ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब जितना लग्जरी गुड्स के प्राइसेस बढ़ते हैं उतना इनकी डिमांड बढ़ती है। सेकंड इज द इग्नोरेंस, कई बार कंज्यूमर ये सोचता है कोई सस्ती गुड्स है तो वो उसको परचेस नहीं करता, उसको लगता है वो घटिया है, और महंगी गुड्स तो उसको क्या अच्छा समझता है, तो महंगी गुड्स को ज्यादा परचेस करता है। थर्ड इज द गिफ्ट गुड्स, गिफ्ट गुड्स के केस के ऊपर भी जो है वो आपका लोग डिमांड एप्लीकेबल, इनफीरियर गुड्स पे लोग डिमांड एप्लीकेबल होता है, ये बात ध्यान रखना, लेकिन गिफ्ट गुड्स के ऊपर जो है लोग डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। गिफ्ट गुड्स के ऊपर क्यों नहीं होता, उसके पीछे का रीजन है, और रीजन जो है वो क्या है, रीजन ये है कि गिफन गुड्स के इन्फीरियर गुड्स, गिफन गुड्स के अंदर जो है हम ये देखते हैं, ये वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिसकी डिमांड गिरती है जब इनके प्राइसेस जो है वो क्या होते हैं, फॉल होते हैं। सो द लो ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड गुड, तो गिफन गुड्स इन्फीरियर क्वालिटी की गुड्स होते हैं जिनके ऊपर लो ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, गिफन गुड्स का जो प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है। नॉर्मल केस में इन्फीरियर गुड्स के अंदर प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, मतलब इन्फीरियर गुड्स के अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड कम होगी क्योंकि हम नॉर्मल पे शिफ्ट हो जाएंगे। बट गिफन गुड्स के अंदर उल्टा होता है, गिफन गुड्स में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, मतलब अगर गिफन गुड्स के रेट बढ़ते हैं तो गिफन गुड्स की डिमांड बढ़ती है, यह बात ध्यान रखना। फिर आएगा एक्सपेक्टेशन राइज और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर, अगर अपने को पता है फ्यूचर के अंदर जो है वो प्राइसेस कम होंगे तो हम आज डिमांड कम कर देंगे, चाहे आज प्राइस कम चलाओ फिर भी हम कम कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि फ्यूचर के अंदर रेट और भी कम होंगे। फिर है नेसेसिटी, कुछ गुड्स होती है जो लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी है तो उनके केस के अंदर लो डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, उनके रेट बढ़े उनके रेट कम हो हम तो डिमांड उनकी करते रहेंगे। फिर कमोडिटी विद अ स्पेशल ब्रांड नेम, इनके ऊपर भी आपका लो डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, वॉर इमरजेंसी की सिचुएशन में भी लो ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। कंज्यूमर साइकोलॉजिकल ब्रास या इल्यूजन, कई बार कंज्यूमर इल्यूजन हो जाता है, जैसे मान लो कोई सेल लगा दे तो अपने को लगता है बेकार सामान होगा तो हम सस्ते रेट पर भी सामान परचेज नहीं करते, एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। अगर कोई गुड्स ऐसी है जिसके ऊपर कंज्यूमर जो अपने इनकम का एक बहुत छोटा सा पार्ट जो है वो खर्च कर रहा है, तो ऐसे गुड्स अगर महंगे भी हो जाएंगे तो भी कंज्यूमर उसको परचेस करता रहेगा। अब है टाइप ऑफ डिमांड, सबसे पहला है डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड। डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स जो है वो कौन सी होती है, जो फाइनल कंजम्पशन वाली होती है उसको बोलते हैं डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड, और जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन वाली जो गुड्स है वो उनकी डिमांड कैसे होती है, डिराइव होती है, ध्यान रखना। इसके बाद आएगा डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स एंड द ड्यूरेबल। पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती है, जो नॉन ड्यूरेबल नेचर की होती है जिसका सिंगल यूज है, और जो ड्यूरेबल गुड्स है उनका मोर देन वन यूज होता है। ऑटोनोमस डिमांड कौन सी होती है, जो डायरेक्ट डिमांड होती है बेसिकली। ठीक है, जितने भी कंज्यूमर गुड्स है उन सबकी डिमांड कैसी, ऑटोनोमस है। और जो आपकी डिराइव डिमांड ये कौन सी होती है, ऐसे गुड्स बेसिकली जिनकी डिमांड इनडायरेक्ट है। ठीक है ना, मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर आपको कोई सामान परचेस करना है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिराइव डिमांड। ठीक है, मतलब उसके अपने आप में जो है डिमांड नहीं है, किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड थी, उसको बनाने के लिए आपका प्रोडक्ट चाहिए तो उसको बोलेंगे डिराइव डिमांड। इंडस्ट्री डिमांड, सभी एक इंडस्ट्री के अंदर आने वाली जितनी भी कंपनी है उन सबकी डिमांड को बोलते हैं इंडस्ट्री डिमांड, और फर्म डिमांड एक इंडिविजुअल फर्म की डिमांड को बोलते हैं। शॉर्ट टर्म डिमांड जो है वो कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म रिप्रेजेंट करता है ऐसा एग्जिस्टिंग डिमांड को विच इज बेस्ड ऑन इमीडिएट एक्शन ऑफ द प्राइस चेंज, और लॉन्ग रन डिमांड जो है वो होती है जो जिसमें प्राइस चेंज, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट ये सब जो है वो एडजस्ट अपने आप ही वक्त के हिसाब से हो जाते हैं। जॉइंट डिमांड कौन सी होती है, जो दो गुड्स मिलकर के जो है वो एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करते हैं, लाइक कार और पेट्रोल मिलकर के आपके ट्रेवल को पूरा करते हैं। और कंपोजिट वो होती है जब एक गुड्स का परचेस करते हो सेवरल यूजेस के लिए, लाइक दूध को हमने परचेस किया चाय बनाने के लिए, दूध को सीधा कंज्यूम करने के लिए, दूध से दही बनाने के लिए, दूध से पनीर बनाने के लिए। फिर आएगा प्राइस डिमांड इनकम एंड द क्रॉस। प्राइस डिमांड कौन सी है, प्राइस डिमांड जो है वो क्या, इन प्राइस डिमांड डिमांड फंक्शन जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर, सिंगल वेरिएबल प्राइस के ऊपर, जबकि इनकम डिमांड जो है इसके अंदर आपका डिमांड जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनकम पे। और क्रॉस डिमांड में जो है वो क्या, वेरियस क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी परचेज बाय द कंज्यूमर इन रिलेशन टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। तो क्रॉस डिमांड के अंदर दो आएगा, सब्सिट्यूट का पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉस। ठीक है, पॉजिटिव क्रॉस के अंदर आएगा सब्सिट्यूट गुड्स, और नेगेटिव क्रॉस के अंदर आएगा कौन सा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का, ध्यान रखना। फिर मार्केट डिमांड, मार्केट सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट बहुत ही
छोटा पार्ट होता है किसका, आपके मार्केट डिमांड का ध्यान रखना। इसके बाद आएगा एक टर्म आती है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। अब ये क्या होता है अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पे बेसिकली देखो अगर प्राइसेस के कारण जो है वो डिमांड बढ़ती करती है तो वहां पे आप वर्ड यूज करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसके अंदर आएगा बेसिकली क्या, इसके अंदर आएगा आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब जो है वो क्या होता है, अगर मान लीजिए प्राइसेस के कम होने पर, अगर प्राइसेस के कम होने पर डिमांड अगर बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यहां पे अदर थिंग्स वो क्या रहेंगे, कॉन्सेंट। और वही कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, अगर प्राइसेस के बढ़ने पर अगर डिमांड कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यहां पे बेसिकली आपका जो डिमांड कर रहेगा उसमें क्या रहेगा, मूवमेंट रहेगा, मतलब डिमांड कर आपका शिफ्ट नहीं होगा, वो क्या रहेगा मूव, मतलब एक ही डिमांड करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर आप जो है वो क्या करते रहेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे। वही अगर बात करेंगे किसका, चेंज इन डिमांड और शिफ्टिंग डिमांड का, तो यहां पर क्या होगा, जब प्राइसेस के बिना, प्राइसेस तो सेम रहेंगे, अदर फैक्टर के कारण अगर डिमांड बढ़ती घटती है तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, चेंज इन डिमांड। यहां पे डिमांड या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, यहां पे प्राइस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन आपका डिमांड कर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो चेंज इन डिमांड और शिफ्टिंग डिमांड कर में जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम यहां पे ये पढ़ते हैं, अगर मान लो चेंज हुआ इनकम में, टेस्ट में, अदर प्राइसेस के अंदर, ठीक है, और उसकी वजह से अगर आपका डिमांड जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गई है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड का। आपका डिमांड का पूरी तरह से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। यहां पे प्राइस जो रहेगा वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मेन रीजन आपको ये बता रहे हैं, ये सब अदर फैक्टर्स हैं। ओके जी सर, चलो अब ये थोड़ा सा एक बार देख लेना, कॉजेस ऑफ शिफ्ट इन डिमांड का या फैक्टर दैट कॉज द चेंज इन डिमांड, तो ये डिक्रीज इन डिमांड या लेफ्ट ओवर शिफ्टिंग और इंक्रीज इन डिमांड या राइट ओवर शिफ्टिंग, ये उनके वो बता रखे हैं आपको, ठीक है ना। तो अदर फैक्टर जो भी आपने पढ़े, जो डिटरमिनेंट से बेसिकली, अगर वो पॉजिटिव वो करेंगे, आपको पॉजिटिव इंपैक्ट अगर डालेंगे तो आपका डिमांड बढ़ेगा, और अगर नेगेटिव इंपैक्ट होगा तो डिमांड जो है वो क्या होगा, आपका कम होगा। तो ये बात ध्यान रखना, पेपर के अंदर कई बार आता है कि एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन, तो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है प्राइसिस के कारण, वहां पे अदर फैक्टर आपके कॉन्स्टेंट रहते हैं, और इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो होता है अदर फैक्टर के कारण, वहां पे आपका प्राइस जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर डिमांड कर्व एक ही रहेगा, बस उसके अलग अलग पॉइंट्स पे आप मूव करते रहेंगे, बट इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, वहां पे आपका जो डिमांड कर्व रहेगा वो आपका कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, मतलब वो आपका एक ही नहीं रहेगा, वो आपके शिफ्टिंग होता रहेगा, ठीक है जी। ये हो गया आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद में जो आता है वो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी की बात करें, देखो लॉ ऑफ डिमांड आपको बताएगा सिर्फ डायरेक्शन, लॉ ऑफ डिमांड आपको ये बताएगा कि प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, या प्राइसेस के कम होने पर डिमांड पर क्या। जनरली हम ये बोलते हैं ना, इफ अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, तो प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है, प्राइसेस के कम होने पर डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। बट कितनी बढ़ती है, कितनी कम होती है, वो चीज नहीं शो करता। तो उस चीज को शो करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं एक नया एस्पेक्ट या एक नया कॉन्सेप्ट, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैग्नीट्यूड इफेक्ट क्या है डिमांड के ऊपर, वो बताएगा कौन आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आइए पढ़ते हैं इलास्टिसिटी को। बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉर ए गुड्स एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस। लो डिमांड तो ये बताएगा कि प्राइसेस में चेंज होने पर जो है आपके डिमांड के ऊपर चेंज आएगा। दस लो जो है वो एक मेयर क्या है, ओनली एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। इट सिंपली स्टेट्स दैट व्हेन प्राइस फॉल्स, जब प्राइस गिरेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, एंड व्हेन प्राइस राइज तो डिमांड क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ मच द डिमांड विल चेंज, लेकिन ये नहीं पता कि डिमांड जो है वो कितना चेंज आता है, वो बताएगा बेसिकली क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिमांड के 10% बढ़ने पर कितने, सॉरी प्राइसेस के 10% बढ़ने पर कितने परसेंट से आपकी डिमांड कम होती है, वो चीज के लिए जो है वो आता है आपका क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसीलिए बोलते हैं इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो क्या है, वो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, जबकि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, वो एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। अब यहां पे जब आप इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो वो है चार तरह से, एक पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी, यहां पे हम ये बोलते हैं कि प्राइसेस के बढ़ने घटने पर जो है डिमांड पे जो इंपैक्ट आता है वो बताएगा प्राइस इलास्टिसिटी। एक आएगा इनकम, इनकम के बढ़ने घटने का डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। एक आएगा क्रॉस, अदर कमोडिटीज लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, उनके बढ़ने घटने का जो है वो हमारे प्रोडक्ट के डिमांड पर क्या इंपैक्ट आएगा वो बताएगा क्रॉस। और एक होगा कौन सा, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये बताएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने का या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के कम होने का, कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसके डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है वो बताएगा कौन, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब अगर बात करते हैं इलास्टिसिटी डिमांड का, तो सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट है उसको लेके आने वाले कौन थे, तो जेएस मिल और जो कॉर्नर थे ना, वो अर्ली इकोनॉमिक्स थे, जिन्होंने जो है लॉ ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड को जो है वो क्या किया, प्रोपाउंड किया। लेकिन इसको एक्चुअल में डेवलप करने वाले कौन थे, वो थे डॉक्टर मार्शल। तो ये बात ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है ये जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्चुअली डेवलप किया डॉक्टर मार्शल ने। उन्होंने अपने फेमस उनके बुक थे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके अंदर इन्होंने जो है इलास्टिसिटी डिमांड को जो है बताया। तो इलास्टिसिटी डिमांड बेसिकली जो है वो क्या है, अगर हम बात करते हैं तो बोलता है इलास्टिसिटी डिमांड बताएगा रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब क्या रिस्पॉन्स आता है प्राइसिस के बढ़ने पर डिमांड का, क्या रिस्पॉन्स आएगा प्राइसिस के कम होने पर डिमांड पर क्या रिस्पॉन्स आएगा, वो बताएगा कौन आपको, इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड। तो बोलता है इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं, इट इज अ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अदर। एक वेरिएबल में क्या फर्क आएगा दूसरे के मुकाबले में, मतलब यह है कि अगर प्राइसेस को अगर आप बढ़ा देंगे 20% से या 30% से, डिमांड के ऊपर क्या फर्क आएगा वो बताएगा कौन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी डिमांड देयरफॉर इंडिकेट करता है हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड्स विल चेंज इन इट्स प्राइस और द इनकम कंज्यूमर और द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब यहां पे तीनों को अलग तरीके से पढ़ते हैं, एक जगह आएगा प्राइस इलास्टिसिटी, एक जगह आएगा इनकम इलास्टिसिटी, एक जगह आएगा आपका क्या क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी जो टर्म है इसको देने वाले जो थे वो कौन थे, डॉक्टर एल्फर्ड मार्शल, ये फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्लियरली द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी, अब इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आएगा डिग्री। डिग्री के नाम पे अपने प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की हमारे पास में जो 5 डिग्री थी, सबसे पहले आएगा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है किसी प्रोडक्ट की परफेक्टली, किसी प्रोडक्ट की डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब बोलेंगे, जब उस प्रोडक्ट के प्राइस में लिटिल बिट चेंज होने पर उसके डिमांड में जो है वो इनफाइनाइट चेंज हो। मतलब अगर मान लो प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए तो डिमांड एकदम जीरो हो जाएगा, प्राइस थोड़ा सा कम हो जाए तो डिमांड इतना बढ़ जाएगा कि आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, मतलब आप उसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड होती है वहां पर, मतलब जो वहां पर आपका प्राइस इलास्टिक डिमांड वो क्या रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक रहेगा। तो परफेक्टली इलास्टिक के अंदर जो है वो उसकी रूल क्या बोलता है, सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का रूल ये बोलता है कि प्राइसेस क्या डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, मतलब प्राइस के हल्का सा बढ़ने पर डिमांड एकदम जीरो, प्राइस के थोड़ा सा कम होने पर डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी हो जाए। दूसरा आता है परफेक्टली इनलास्टिक। परफेक्टली इनलास्टिक जो है वो एक प्रोडक्ट की डिमांड को परफेक्टली इनलास्टिक कब बोलेंगे, जब प्राइसेस में चेंज होने पर जो है वो डिमांड पे कोई भी इंपैक्ट ना पड़े, मतलब ये है कि प्राइस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं लेकिन डिमांड अगर आपकी कॉन्स्टेंट रहती तो वहां पे परफेक्टली क्या रहेगा इलास्टिक हो, यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या रहेगा जीरो रहेगा आपका। फिर आएगा यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वो होती है जहां पे जितना परसेंट से प्राइस में चेंज होता है सेम परसेंटेज के अंदर डिमांड के अंदर चेंज होगा। अगर प्राइस 10% से बढ़ रहे हैं तो डिमांड जो है वो 10% से क्या होगी कम होगी, और अगर प्राइस 10% से कम हो रहे हैं तो डिमांड 10% से क्या होगी बढ़ेगी, वहां पे ईडी इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 रहेगा। इसके बाद और यहां पे जो आपका डिमांड कर्व बनेगा उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ध्यान रखना। इसके बाद आएगा ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक या इलास्टिक डिमांड ये क्या होती है, जहां पे प्राइसेस के बढ़ने पर जो है वो डिमांड पे फर्क तो आ रहा है लेकिन ज्यादा आ रहा है, मतलब प्राइस 10% से बढ़ रहे हैं लेकिन डिमांड 20% से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटी। और एक होता है लेस देन यूनिटी, जब प्राइस में जितना फर्क आया उसके मुकाबले में डिमांड में उसके मुकाबले में कम फर्क है तो उसको बोलते हैं लेस देन यूनिटी। और यहां पर जो आपका डिमांड कर्व बनेगा वो कैसा रहेगा, स्टीपर रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद आएगा मेजरमेंट, कैसे मेजर करते हैं प्राइस और डिमांड को, उसको मेजर करने के 5 मेथड है। सबसे पहला मेथड आता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ये बोलता है अगर प्राइसेस के, ध्यान देना इसको वैसे मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था लेकिन अभी ये बस आप ये यहां से देख लो, अगर प्राइसेस के बढ़ने पर या प्राइसेस के कम होने पर अगर कंपनी का टोटल, कंपनी के द्वारा किया गया टोटल एक्सपेंडिचर अगर सेम रहता है तो वहां पे क्या रहेगा ईडी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ईडी इज इक्वल टू 1 रहेगा। ग्रेटर देन 1 कब रहेगा, जब प्राइसेस में और टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर जो है वो जो रिलेशन है वो कैसा हो, इनवर्स हो। जब प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, जब प्राइस तो बढ़ रहे लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, या प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाए बढ़ जाए, तो वहां पर आपका जो ईडी रहेगा वो क्या रहेगा, वो ग्रेटर देन 1। और लेस देन 1 कब रहेगा, ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1 कब बोलेगा, जब प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर रिलेशन जो है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब प्राइसेस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए और प्राइसेस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए, तो वहां पे ईडी जो रहेगा वो क्या रहेगा, लेस देन 1। सेकंड मेथड जो है वो है प्रोपोर्शनल मेथड। प्रोपोर्शनल मेथड जो है वो ये सबसे मेन चलने वाला मेथड है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल मेथड को में हम क्या करते हैं, बेसिकली देखो जनरली प्रोपोर्शनल मेथड को यूज वहां पे करते हैं जहां पे प्राइसेस के अंदर जो फ्लक्चुएशन आई है बहुत ही छोटे लेवल पे आई है, ओके। तो ये मेथड के अंदर जो रूल रहेगा आपका वो क्या रहेगा, फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इनटू पी अपॉन डेल्टा पी। अब सर माइनस साइन लगा रखा है तो माइनस हमेशा रहेगा क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट करता है कि प्राइस में और डिमांड के अंदर रिलेशन है वो कैसा, आपका इनवर्स है। जब आप इनकम की बात करेंगे तो वहां पर आपको माइनस साइन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि क्योंकि डिमांड में और इनकम के अंदर जो इंपैक्ट रिलेशन है जनरली वो क्या होता है, नॉर्मल गुड्स के मुकाबले में वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए वहां पे जो है वो आपको जो है माइनस साइन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन प्राइस में और डिमांड में जो रिलेशन था वो जनरली कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसीलिए जो है कोई भी ईडी का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां पे आपको माइनस साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर ये जो आपका फॉर्मूला था इस फॉर्मूला को जो है वो रिवाइज किया बिलास एंड स्नीडर ने, ठीक है। और बिलास एंड स्नीडर ने जो है वो इस फॉर्मूला को रिवाइज करके ये बोल दिया कि आप जो बेस फिगर लेके चल रहे हैं ना क्यू या फिर आप जो पी लेके चल रहे हैं इसकी जगह पे हम मिनिमम प्राइस और मिनिमम क्वांटिटी लेके चलेंगे। तो फॉर्मूला नया जो है वो ये बन गया, क्या बन गया, ईडी इज इक्वल टू माइनस माइनस क्योंकि रिलेशन नेगेटिव रिलेशन है, पीएम पीएम मतलब मिनिमम प्राइस अपॉन में
मिनिमम क्वांटिटी इनटू में डेल्टा के अपॉन में डेल्टा पे। इसके बाद आएगा पॉइंट इलास्टिक मेथड। पॉइंट इलास्टिक मेथड जो है वो क्या है, एक डिमांड कर्व के ऊपर, एक आपका डिमांड कर्व है उसके ऊपर जो है उसके अलग अलग पॉइंट के ऊपर आपकी इलास्टिसिटी क्या है उसको नापने के लिए हम पढ़ते हैं पॉइंट इलास्टिक मेथड। पॉइंट इलास्टिक मेथड के थ्रू हम ईडी कंप्यूट करते हैं, उसका फॉर्मुला रहेगा लोअर पोर्शन अपॉन में अपर पोर्शन। ठीक है, अब यहां पर जो है वो क्या होगा, लीनियर डिमांड, या तो डिमांड का दो तरीके का होगा, या तो लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर कर्वी लीनियर नॉन लीनियर होगा, जो आपका कर्व कर्वेचर नेचर का होगा। अगर कर्वेचर है तो वहां पे आपको पहले एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा, तो वो जो टेंजेंट होगा ना, तो मतलब जो आपका डिमांड करे वो टेंजेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, फिर फॉर्मूला वही लगेगा लोअर पोर्शन अपॉन में अपर पोर्शन। फिर आएगा आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मान लीजिए चेंज जो है वो स्मॉल स्मॉल चेंज है तो आप प्रोपोर्शन मेथड को लगा लीजिए, बात खत्म हो गया। लेकिन अगर चेंज जो है वो ज्यादा हो तो वहां पे लगता है आपका कौन सा, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। तो बोलते हैं द फॉर्मूला ऑफ द प्रोपोर्शन मेथड जो था ना, टू मेजर द इलास्टिक डिमांड एट द गिवन पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व इज रेलेवेंट इफ देयर इज ए इनफाइनाइट स्मॉल चेंज। अगर चेंजेस कैसे हैं, स्मॉल है इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, बट इफ द चेंजेस आर कंसीडरेबल, लेकिन अगर चेंज बहुत ज्यादा है तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, अपने काम का नहीं रहेगा, फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। और चेंज फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा, चेंज फॉर्मूला ये बनेगा। वहां पे अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एवरेज लेके चलेंगे। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले क्या था, डेल्टा के अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, अब क्या होगा डेल्टा के अपॉन में क्यू वन प्लस क्यू, एवरेज लेके चलेंगे, इंटू पी वन प्लस पी अपॉन में डेल्टा पी। और लास्ट जो मेथड है वो है कौन सा, रेवेन्यू मेथड। रेवेन्यू मेथड के जरिए हम लोग जो है इलास्टिसिटी कंप्यूट कर सकते हैं। फॉर्मूला है ईडी इक्वल टू एआर अपॉन में एआर माइनस में एमआर, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। और ये जो है वो होता है वन अपॉन में मोनोपोली पावर, इसको ऐसे भी लिखते हैं वन अपॉन में मोनोपोली पावर। सेकंड जो आपके इलास्टिसिटी आती है, डेट इज इनकम इलास्टिक डिमांड। ये बेसिकली ये बताएगा कि इनकम के बढ़ने पर डिमांड जो है वो कितने परसेंट से बढ़ती है, और इनकम कम होने पर डिमांड कितने परसेंट से कम होती है, उसके लिए हम पढ़ेंगे क्या इनकम इलास्टिक डिमांड। फॉर्मूला जो है जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। यहाँ पे इनकम जो है वो क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसके ये डिपेंड किस और ये किसको इंपैक्ट करता है, वो करता है जो आपके क्वांटिटी डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या है जी, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, फॉर्मूला जनरली क्या रहेगा, डेल्टा के अपॉन में क्या इनटू में वाई अपॉन में डेल्टा वाई, वाई मतलब इनकम। तो इनकम में जो चेंज होता है उसके मुकाबले हम यहां पे कंपैरिजन करते हैं। अब इनकम इलास्टिक डिमांड जो है उसके टाइप देखते हैं। सबसे पहले आएगा पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी बेसिकली जो है रिलेशन मेंटेन करता है डिमांड के अंदर और किसमें, इनकम है। तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ये बोलता है कि अगर प्राइसेस के बढ़ने पर इनकम बढ़ती है तो वहां पे इनकम इलास्टिसिटी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब ये तीन तरीके का होगा, या तो होगा ग्रेटर देन यूनिटी, या होगा लेस देन यूनिटी, या फिर क्या होगा आपका यूनिटी के बराबर। तो ग्रेटर देन यूनिटी का मतलब क्या, जब इनकम के बढ़ने पर जो है डिमांड उसके मुकाबले में ज्यादा बढ़ती है। दोनों कैसे बढ़ेगा, तीनों कैसे बढ़ेगा, अगर इनकम बढ़ती है 10% से डिमांड बढ़ी 18% से, तो इसको बोलते हैं क्या ग्रेटर देन यूनिटी। इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी क्या होता है, जब इनकम के बढ़ने पर डिमांड सेम परसेंटेज से बढ़ती है, इनकम भी बढ़ी 10% से डिमांड भी बढ़ा 10% से। और लेस देन यूनिटी के अंदर क्या होता है, जितने परसेंट से इनकम बढ़ती है डिमांड उसके मुकाबले में कम परसेंट से बढ़ तो रही है लेकिन कम परसेंट से बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं इनकम लेस देन यूनिटी। इसके बाद आएगा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ये कौन सी होती है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी वहां पढ़ेंगे जहां पे इनकम बढ़ने पर डिमांड हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, या इनकम के कम होने पर डिमांड हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इनकम बढ़ रही है डिमांड कम हो रही है, या फिर इनकम जो है वो कम हो रही है और डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वहां पर आएगा क्या नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। वहां पर आपका जो डिमांड कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। और जीरो इनकम इलास्टिसिटी के अंदर क्या आएगा, जहां पे आपके इनकम में चेंज होने पर डिमांड में कोई भी इंपैक्ट ना आए, तो वहां पर आएगा जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जनरली जो नेसेसरी गुड्स होते हैं जैसे आटा हो गया, चीनी हो गया, तो इनके जो डिमांड थे वो कैसे, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा चीनी खाना, ज्यादा नमक खाना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं है कि फाके मारने शुरू कर देंगे, नो। इसके बाद आएगा क्रॉस इलास्टिक डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो बताएगा बेसिकली रेशियो किसका, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स एक्स इन कंपैरिजन टू द प्रोपोर्शन चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स वाई। तो वाई कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज होने पर एक्स कमोडिटी की डिमांड में जो चेंज आएगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, वो रहेगा जनरली ये दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स वाई। तो वाई कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने पर एक्स कमोडिटी की डिमांड पे जो इंपैक्ट आएगा वो बताएगा जी आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको ईसी से जो है वो हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फॉर्मूला जो रहने वाला है वो रहेगा क्या, वो रहेगा जी ये पीवाई अपॉन में डेल्टा क्यू इंटू सॉरी पीवाई मतलब ये हो गया आपका प्राइस अपॉन में डेल्टा पी इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू, ये क्यू हो गया। ठीक है ना, ये थोड़ा देख लेना फॉर्मूला। इसके बाद अब ये जो आपके क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है वो रहेगा दो तरीके का, एक रहेगा पॉजिटिव एक रहेगा नेगेटिव। ठीक है, तीन तरीके, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में हम लोग पढ़ते हैं कौन सा पॉजिटिव, जब गुड्स आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, जब गुड्स एक दूसरे की क्या होती है सब्स्टिट्यूट होती है, तो वहां पे क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो क्या रहेगा आपका पॉजिटिव। नेगेटिव कब रहेगा, जब गुड्स एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, तो वहां पे जो आपका इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो क्या रहेगा नेगेटिव। और क्रॉस कब होगा, जब दो गुड्स आपस में उनका आपस में एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं होता, तो वहां पर क्या रहेगा जीरो क्रॉस
इलास्टिसिटी। एक आता है एडवर्टीजमेंट इलास्टिक डिमांड। एडवर्टीजमेंट इलास्टिक डिमांड जो है इसको प्रमोशनल इलास्टिसिटी भी जो है वो बोला जाता है। ये बेसिकली ये बताएगा कि कंपनी के द्वारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करने पर जो है वो कंपनी की डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो बताएगा आपका कौन, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जनरली अगर आप क्या होता है वैसे आप बता दीजिए सर, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी पॉजिटिव रहेगा, मतलब अगर कंपनी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी तो कंपनी की डिमांड बढ़ेगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जितना कम कंपनी की डिमांड कम। तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी जो है वो आपको दो चीज बताएगा, क्या पहला शिफ्टिंग द डिमांड टू द राइट। अगर आप एडवर्टीजमेंट जितना ज्यादा करेंगे तो आपका डिमांड कर जो है वो क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग टू द राइट, शिफ्टिंग हो जाएगा। क्यों सर शिफ्टिंग क्यों होगा, क्योंकि प्राइस आपका क्या है सेम है, सेम प्राइस पर अगर आपकी डिमांड बढ़ती है दैट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड, और वहां पे डिमांड कर क्या होता है शिफ्ट हो गया, क्या हो गया शिफ्ट हो गया। तो ये देखो शिफ्टिंग द डिमांड टू द राइट, डिमांड क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ओके तो वर्ड ध्यान दीजिएगा, दिस इज नोन एज एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन नहीं है, दिस इज अ इंक्रीज इन डिमांड, आपका डिमांड क्या हो जाएगा इंक्रीज। और दूसरा जो है आपका इलास्टिक डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। क्यों इलास्टिक डिमांड रिड्यूस क्यों होगा, क्योंकि जब आप जगह जगह पे एडवर्टीजमेंट करते हो तो अब कंज्यूमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट की एक साइकी बन जाएगा कि यही सामान अच्छा है, तो अगर आप प्राइस ज्यादा भी चार्ज करेंगे तो भी वो आप ही के सामान को क्या करेगा बारी बारी परचेज करेगा। तो अगर मान लो प्राइसेस के बढ़ाने पर भी या प्राइसेस के कम करने पर भी अगर डिमांड के ऊपर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कंज्यूमर लगातार आप ही के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, तो वहां पर आपका जो इलास्टिक डिमांड रहेगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो इंपैक्ट जो है उसके उसके बेसिकली पड़ते हैं। तो यहां पे अगर आपको ई ए से डिनोट करते हैं, अगर ई ए इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी अगर आपको जो है वो क्या करना हो कंप्यूट करना, तो फॉर्मूला क्या रहेगा प्रोपोर्शनल चेंज इन स्केल अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है जी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो स्केल मतलब यहाँ पे सेल से डिनोट कर रहे हैं इसको, ये क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मतलब ये है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने या घटने का हमारे सेल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो बताएगा कौन आपका ई ए एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। चलो जी ये हो गए अपने दो चैप्टर, अब आएगा जी अपने नेक्स्ट, दैट इज अ कंज्यूमर इक्विब्रियम, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या यूटिलिटी अप्रोच। कंज्यूमर इक्विब्रियम की अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 का, तो बेसिकली दो चैप्टर जो है वो अभी तक हमने पढ़े डिमांड वाले वो रिलेशन में थे, एक था आपका लॉ ऑफ डिमांड और एक पढ़ा हमने कौन सा इलास्टिसिटी। अब जो है वो बात करें कंज्यूमर इक्विब्रियम का, तो इसके भी दो चैप्टर्स हैं, एक है आपका कौन सा यूटिलिटी अप्रोच और एक है आपका इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। ओके जी सर, तो पहले जो है वो हम लोग पढ़ेंगे अपना कौन सा यूटिलिटी अप्रोच, और यूटिलिटी अप्रोच जो है कंज्यूमर इक्विब्रियम का वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि कंज्यूमर जो है वो जब भी किसी भी कमोडिटी को जो है वो क्या करेगा कंज्यूम करेगा, तो उसके से उसको जो है जो मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या यूटिलिटी, ठीक है, मतलब जो भी उसको वांट सैटिस्फाइंग पावर जो मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या यूटिलिटी। लेकिन उससे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमने अभी तक लॉ ऑफ डिमांड तो हमने पढ़ लिया, वो तो बेसिकली उसने रिलेशन मेंटेन कर दिया कि प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कम होगा, प्राइसेस के कम होने पर डिमांड बढ़ेगा, बट द मेन क्वेश्चन इज कि कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करता क्यों है वो हमने यहां पे पढ़ा। देखो बोला दो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं फ्रॉम द थ्योरी ऑफ डिमांड, पहला तो ये व्हाई डज ए कंज्यूमर डिमांड फॉर ए गुड्स और सर्विस, एक कंज्यूमर जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड क्यों करता है, और तो उसका आंसर तो ये होता है क्योंकि जब भी वो किसी भी प्रोडक्ट की वो कंज्यूम करता है तो उसके कंजम्पशन से उसको जो मिलता है वो है डेट इज अ यूटिलिटी। और सेकंड जो है वो क्या, हाउ शुड ए कंज्यूमर स्पेंड इज इनकम और डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस सो दैट ही मे गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि किस तरीके से कंज्यूमर जो है वो अपने पैसे को खर्च करे अलग अलग गुड्स और सर्विस पे ताकि इसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम लोग जो है वो पढ़ेंगे हमारी दो अप्रोच, एक है कार्डिनल और एक है अपना ऑर्डिनल, ठीक है, एक है थ्योरी रिवर्ल्ड प्रेफरेंस, ये अपने को नहीं करके जाना अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम तो पढ़ेंगे कौन सा कार्डिनल अप्रोच और एक है कौन सा ऑर्डिनल, ठीक है ना। तो जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसको हिक्सियन अप्रोच भी जो है वो बोला जाता है, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है जी आपका कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो यूटिलिटी है किसी भी जब भी आप किसी भी कमोडिटी को जो है वो क्या करोगे कंज्यूम करोगे तो उसके कंजम्पशन से आपको जो उसके कंजम्पशन से आपको जो है वो यूटिलिटी रिसीव होगी, ठीक है ना। और जो यूटिलिटी आपको मिल रही है, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है, डेट यूटिलिटी को आप कार्डिनल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स के अंदर जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो क्या बोलता है, ये जो अप्रोच है नियो क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स से हमारे डूपिड गोसन और ये आपका वोल्डर्स हो गया, मेंगर हो गया, जीवोन्स हो गया, इन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को जो है वो क्या किया आगे एनालाइज यूटिलिटी एनालिसिस किया। इन्होंने जो है वो क्लासिकल थॉट जो थी ना जो एडम स्मिथ ने दिया था उसको क्या किया क्रिटिसाइज किया। अब ये जो है वो ये बोलते हैं कि जो यूटिलिटी है उसको आप काउंटिंग नंबर्स के अंदर जो है वो मेजर कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करोगे तो उसकी कंजम्पशन आपको जो यूटिलिटी मिलेगी उसको आप नापोगे किसमें यूटिल्स के अंदर, ठीक है ना। आप इसके यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड्स टू सेटिस्फाई ए वांट, आपके एक पर्टिकुलर वांट को अगर सेटिस्फाई करना है आपने किसी एक प्रोडक्ट को क्या किया कंज्यूम किया उसके कंजम्पशन से उस जो आपको रिसीव हुआ डेट इज अ
यूटिलिटी, ठीक है। तो यूटिलिटी जो है वो क्या, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर होता है। फीचर क्या क्या है अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले यूटिलिटी जो है वो क्या, सब्जेक्टिव है। पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, डिपेंड करता है, किसी को चाय अच्छी लगती है, किसी को चाय अच्छी नहीं लगती। दूसरा रिलेटिव है, मतलब यूटिलिटी कभी भी आपका सेम नहीं रहेगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होता रहेगा, चेंज होते रहेगा। यूटिलिटी इज नॉट नेसेसरी यूजफुल, यूटिलिटी हमेशा यूजफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है। एंड यूटिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है किसे, मोरालिटी से। यूटिलिटी का मोरालिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। अब यूटिलिटी अप्रोच को जब पढ़ेंगे तो कुछ असम्पशन, सबसे पहले रैशनल कंज्यूमर। हम हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर जो है वो कैसा है, रैशनल है। इसका मतलब वो अपनी करंट इनकम से जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन करना चाहता है। सेकंड इज द कार्डिनल यूटिलिटी। हम इस अप्रोच में ये पढ़ते हैं कि यूटिलिटी को आप काउंटिंग नंबर्स के अंदर जो है वो मेजर कर सकते हैं। तीसरा इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी अप्रोच जो है वो ये बोलती है कि अगर आप किसी एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी का दूसरी कमोडिटी के कंजम्पशन के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब हर कमोडिटी को जब आप कंज्यूम करेंगे वो उससे आपको इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मिलेगा, मतलब उनका आपस में कोई भी लिंकेज नहीं होगा। मतलब अगर आपने आज पहली रोटी खाई है तो जब आप दूसरी रोटी खाएंगे तो पहली रोटी का उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि ये बिल्कुल फुद्दू अप्रोच है, बात में ये सारी की सारी अजम्पशंस को जो है वो क्रिटिसाइज किया गया, बट अभी के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि यूटिलिटी अप्रोच की ये सब अजम्पशंस है। चौथा अजम्पशन जो है वो क्या, एमयू द मनी इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये है कि मनी की जो परचेजिंग पावर है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। डिविजिबिलिटी, ये मानते हैं गुड्स वो डिविजिबल नेचर की है, आप उसको जो है वो पार्शियल भी आप उनको परचेज कर सकते हो। डिमिनिशिंग एमयू, फिर ये बोलता है कि जैसे जैसे आप एक ही कमोडिटी को लगातार कंज्यूम करेंगे तो हर एक्स्ट्रा उस कमोडिटी की हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती कम होती रहेगी। एनटीयू जो डिपेंड करते हैं किस पे, क्वांटिटी ऑफ द इंडिविजुअल कमोडिटी। मतलब ये अगर आप इंडिविजुअल कमोडिटीज को लगातार क्या करोगे, कंज्यूम करोगे, उन सारी अलग अलग इंडिविजुअल कमोडिटी के को जो टोटल होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, टीयू। अब यहां पे ये बोलते हैं कांसेप्ट ऑफ यूटिलिटी तीन तरीके का है, एक है आपका टीयू, सॉरी दो तरीके, एक है टीयू एक है एमयू। टीयू का मतलब क्या, एक कमोडिटी है उसकी सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने पर जो भी आपको सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी मिलती है उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल क्या, एक एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन, एक कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन करने पर टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। अब एमयू जो है वो तीन तरह की होती है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। पॉजिटिव का एग्जांपल आपको मैंने बताया था, जब आप किसी एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, एक कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने पर अगर टोटल यूटिलिटी बढ़े तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। अगर टोटल यूटिलिटी में कोई भी चेंज ना हो तो उसको बोलेंगे जीरो। और नेगेटिव का मतलब क्या होगा, जब एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी डाउन हो गई तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जांपल दिया था रोटी का, ठीक है ना, तो अगर ज्यादा रोटी खाएंगे तो उल्टी आ जाएगी, इसका मतलब क्या, वो एक्स्ट्रा यूनिट क्या हो गई, निकल गई पूरी की पूरी, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये बात ध्यान रखना, टीयू जो है वो कभी भी जो है वो आपका नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन जो आपका एमयू है वो पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव तीनों हो सकते हैं। अब डिफरेंस आ गया टीयू में और एमयू में, थोड़ा देख लीजिएगा ये क्या बोलते हैं। टीयू जो है वो क्या है, इट इज अ सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी व्हिच आर डिराइव फ्रॉम ऑल द यूनिट, मतलब ये, और जो एमयू होता है वो क्या होता है, एडिशनल यूटिलिटी होता है, ठीक है। दूसरा टीयू का फॉर्मूला क्या है, टीयू इज इक्वल टू सिग्मा एमयू। इसका मतलब क्या है, या इसको डेल्टा, इसको हम लोग जो है वो डिनोट करते हैं, जितने भी मार्जिन यूटिलिटी अगर सबको जोड़ दें तो बनेगा टीयू। जबकि एमयू की बात करें तो एमयू जो है किसके बराबर है, डेल्टा टीयू अपॉन में डेल्टा क्यू। उसके बाद एमयू टेंड्स टू डिमिनिश एज मोर एंड एज मोर द कमोडिटी इज कंज्यूम। जितना ज्यादा कमोडिटी को आप क्या करेंगे, कंजम्पशन करते रहेंगे, उतना आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला। फिर टीयू जनरली जो है वो पॉजिटिव रहता है, लेकिन एमयू जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव तीनों हो सकते हैं। टीयू जो है जहां पे मैक्सिमम होगा वहां पे एमयू जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। एंड एमयू डिटरमाइन करता है रेट ऑफ चेंज इन द टोटल यूटिलिटी, ठीक है जी। इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है, टीयू और एमयू में जो आपने डिफरेंस आपने बनाया उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके लिए तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पैराडॉक्स, चार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू या डायमंड वाटर पैराडॉक्स। पहले जो है कुछ इकोनॉमिक्स ये बोले कि प्राइस से वो बराबर होगा किसके, टोटल यूटिलिटी के। लेकिन उसके बाद में जो है वो जीवोंस जो थे उन्होंने बेसिकली जो है ये कॉन्सेप्ट दिया और वो बोले, उन्होंने डायमंड वाटर पैराडॉक्स दिया और वो बोले कि प्राइस है वो बराबर होगा किसके, मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये क्या बोलता है, मैंने इकोनॉमिक्स से अज्यूम करते थे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी वाज इक्वल टू द टीयू, दस गुड्स विच गिव मोर टोटल यूटिलिटी शुड हैव मोर वैल्यू एंड गुड्स विच गिव लेस टोटल यूटिलिटी शुड हैव द लेस वैल्यू। लेकिन रियल लाइफ के अंदर जो है वो ये चीज अपने को देखने को नहीं मिलती है। वन ऑब्टेन मोर टोटल यूटिलिटी फ्रॉम वाटर देन फ्रॉम डायमंड। तो उन्होंने डायमंड वाटर पैराडॉक्स का जो है वो रिलेशन मेंटेन किया और वो बोले कि देखिएगा, एक इंसान जो है अपनी लाइफ टाइम के अंदर जो है वाटर ज्यादा कंज्यूम करता है तो इसका मतलब तो वाटर का प्राइस है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्राइस अगर बराबर होगा यूटिलिटी के तो वाटर का प्राइस डायमंड के मुकाबले में ज्यादा होना चाहिए। और एक आम इंसान की बात करें तो वो कई बार ऐसा होता है पूरी लाइफ टाइम के अंदर डायमंड को परचेज ही नहीं कर पाता, तो मतलब उसका प्राइस तो जीरो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि प्राइस वाटर की अगर बात करते हैं तो एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वाटर को कंज्यूम करने पर हमारे जो एमयू रहेगा वो बहुत जल्दी आपका जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि आपने एक गिलास पानी पी लिया, अगला गिलास पानी जब आप पियेंगे तो बहुत जल्दी आपकी जो है वो फुल सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। लेकिन अगर आपको एक हीरा मिला, जब दूसरा हीरा मिलेगा तो क्या सेटिस्फेक्शन आएगा? नहीं। आप मोर एंड मोर हीरो को क्या 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 चाहेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा मिले, क्योंकि उनकी जो रियल वर्थ है वो बहुत ही क्या है, पानी के मुकाबले में ज्यादा है, क्योंकि पानी अबंडेंट अमाउंट के अंदर हर जगह क्या है, अवेलेबल है। तो एज पर द डायमंड वाटर पैराडॉक्स उन्होंने क्या बोला, तो डायमंड वाटर पैराडॉक्स है वो बेसिकली ये बोलता है कि प्राइस जो है वो बराबर रहेगा किसके, आपके एमयू के, नोट द टीयू। ओके, इसके बाद आएगा जी सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, एक कमोडिटी के लिए जितना प्राइस कंज्यूमर पे करने के लिए जो है वो एबल है और इच्छुक होता है, और अगर उसको कम प्राइस पे करना पड़े, अगर मान लो मैं इस पेन के लिए जो है 50 रुपीज पे करने के लिए क्या हूं तैयार हूं, लेकिन मुझे ये पेन एक्चुअल में मिला 30 रुपए में, तो 20 रुपए मेरा क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस इज द सम टाइम कंज्यूमर इज रेडी एंड विलिंग होता है टू पे फॉर अ कमोडिटी मच मोर प्राइस देन द प्राइस, एक्चुअल प्राइस। तो ये जो डिफरेंस होता है ना दो प्राइस का, उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। फिर आएगा लो डिमिनिशिंग एमयू। लो डिमिनिशिंग एमयू जो है वो क्या बोलता है, ये फाउंडेशन स्टोन है किसका, यूटिलिटी एनालिसिस का। तो यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते ही इसके लिए है, बेसिकली लो ऑफ डीएमयू के लिए, ठीक है। लो ऑफ डीएमयू जो है वो ये बोलता है, जैसे जैसे एक इंडिविजुअल किसी एक कॉमोडिटी की, एक कॉमोडिटी है, सिंगल कॉमोडिटी है, उसकी मोर एंड मोर यूनिट्स को क्या करता रहेगा, लगातार कंज्यूम करता रहेगा, तो हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। ये है आपका लॉ ऑफ डीएमयू, बात समझ में आया। तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर बाकी सारी बातें जो है वो क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, तो एमयू जो है गुड्स का वो डिमिनिश होगा एज मोर ऑफ इट इज कंज्यूम इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब ये जो लो है, लो ऑफ डीएमयू, इसको जो है वो बोलते हैं लो ऑफ इवेंचुअली ऑफ द डीएमयू, ये इसको गोसन का फर्स्ट लो भी जो है वो बोला जाता है। ओके, अब कुछ अजम्पशन है, सबसे पहले अजम्पशन ये है, यूटिलिटी को आप जो है कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हो, दूसरा एमयू जो है मनी का वो कॉन्स्टेंट रहेगा, तीसरा यूटिलिटी ऑफ वन कॉमोडिटी इंडिपेंडेंट किसके, दूसरे के मुकाबले में, आगे एवरी यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी बीइंग यूज्ड इन द सेम क्वांटिटी क्वालिटी एंड साइज, देयर इज अ कंटीन्यूअस कंजम्पशन ऑफ द कॉमोडिटी, कॉमोडिटी कंज्यूम करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर, एंड कंज्यूमर जो है वो क्या है, रैशनल पर्सन है। अब यहां पे मतलब नॉर्मल कंडीशन क्या बोलती है, सर नॉर्मल केस के अंदर ये बोला जाता है, जैसे जैसे आप किसी एक कॉमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे, वैसे वैसे हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ केसेस ऐसे हम पढ़ते हैं जहां पे आप एक कॉमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे तो हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी कम नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। वो कौन कौन से, जैसे क्यूरियस या रेयर थिंग्स, क्यूरियस गुड्स के लिए या फिर रेयर थिंग्स के लिए जो है ये रूल आपका एप्लीकेबल नहीं होता। मीजर्स जो होते हैं ना, जो बेसिकली थोड़े लालची लोग हैं, वहां पे उनको अगर पैसा जितना ज्यादा मिलेगा तो उतना यूटिलिटी उनका बढ़ेगा। फिर अच्छी पोएम या फिर अच्छी बुक के लिए वहां पे भी ऐसा नहीं है। ड्रंकर्स बेवड़े जो होते हैं तो उनको भी यही होता है कि जितना दारू ज्यादा मिलेगा उतना उनका यूटिलिटी बढ़ता है। और इनिशियल यूनिट को अगर मान लीजिए पहली यूनिट ही अगर आपने जो है वो नॉर्मल के मुकाबले में बिल्कुल कम कंज्यूम करिया, तो जब आप एक्स्ट्रा यूनिट लेंगे तो आपको यूटिलिटी कम नहीं बल्कि ज्यादा मिलेगा। इसके बाद ये लॉ क्यों एप्लीकेबल है, उसके पीछे रीजन, सबसे पहला कॉमोडिटी, क्योंकि एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो फिर वहां पे ये जो लॉ है वो कभी भी एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। दूसरा सेटिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर बोन, एक पर्टिकुलर बोन जो है अगर फुली सेटिस्फाई हो गया तो फिर आप कंजम्पशन करने बंद कर दोगे तो ये लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड अल्टरनेट यूज, क्योंकि गुड्स का जो है वो अल्टरनेट यूज है, अगर सिंगल यूज होगा तो वहां पर भी ये रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको ना चाहते हुए भी उसी पर्पज के लिए उसी कॉमोडिटी को जो है वो यूज करना पड़ेगा। अब ये जो लॉ ऑफ डीएमयूएस की कुछ क्रिटिसिज्म है, सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो है वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि कार्डिनल मेजरमेंट करना यूटिलिटी का वो पॉसिबल नहीं है। मतलब जब भी आप किसी भी कॉमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो आप ये बोलते हो उससे अपने को यूटिलिटी मिलती है जिसको आप नंबर में जो है वो डिराइव कर सकते हो, बट एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेकंड, एमयू ऑफ मनी जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है। थर्ड, एवरी कॉमोडिटी इंडिपेंडेंट हो ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर अभी जस्ट आपने चाय पी है उसके बाद जस्ट ये बोल दे कि अब एक काम करो चलो कॉफी पी लो, तो क्या चाय पहली जो आपने चाय पी ली क्या उसका कॉफी का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्या, पड़ेगा सर। फिर एमयू जो है उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते हर केस के अंदर, और जो अजम्पशन लिखे है वो जनरली क्या है, अनरियलिस्टिक है। ये था आपका लो ऑफ डीएमयू, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जो ये बोलता था जैसे जैसे आप एक मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे हर एक्स्ट्रा यूनिट से उस कॉमोडिटी की हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। इसके बाद में जो सेकेंड लो आता है वो है कौन सा, लो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसको गोसन का सेकंड लॉ भी जो है वो बोला जाता है, ठीक है। ये यूटिलिटी एनालिसिस का सेकंड इंपॉर्टेंट लॉ है। ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ जो है वो ये बोलता है
एक कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, ये एक कंज्यूमर जो है उसके पास जो भी इनकम पड़ी है ना, वो उस इनकम को दो अलग अलग कॉमोडिटीज के ऊपर इस तरीके से खर्च करेगा कि आखिरी पैसा जो उसने अलग अलग कॉमोडिटी पे खर्च किया उनसे मिलने वाले जो यूटिलिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब एक कॉमोडिटी पे आखिरी पैसा जितना खर्च किया और बी कॉमोडिटी पे आखिरी पैसा जो खर्च किया उन दोनों से मिलने वाला यूटिलिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसको बोलते हैं आप लोग क्या, लो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एमयू वन इज अपॉन प्राइस वन इज इक्वल टू एमयू टू अपॉन प्राइस टू इज इक्वल टू एमयू थ्री अपॉन प्राइस इज इक्वल टू एमयू एन अपॉन में प्राइस एन। तो यहां पे जो एमयू रहेगा लास्ट वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। अब ये बता रखा है यहां पे, इसको देख लेना। तो लो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि आप कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, कॉम्बिनेशन बनाएगा, दो अलग अलग कॉमोडिटी पे जो खर्चा करना उनके क्या करेगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएगा और इस तरीके से उनको कंबाइन करेगा कि एक तो कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेगा जहां पे उसको यूटिलिटी मैक्सिमम मिल रही है, पहला। और दूसरी कंडीशन ये कि आखिरी रुपया जो दोनों यूनिट्स के ऊपर खर्च किया गया ना, वहां से मिलने वाला यूटिलिटी जो है वो क्या हो, आपका बराबर हो। तो वहां पे आपका होगा लो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है जी। इसी कुछ अजम्पशन आपको दे रखी है, वो क्या है, पहला अजम अज्यूम करता है कि यूटिलिटी को काउंटिंग नंबर से मेजर कर सकते हैं, दूसरा कंज्यूमर जो है वो क्या है जी आपका रैशनल है, मतलब डेडीज ही वोंट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज इनकम, तीसरा इनकम जो है कंज्यूमर का कॉन्स्टेंट है, चौथा एमयू जो है मनी का कॉन्स्टेंट है, पांचवा प्राइस ऑफ कॉमोडिटी कॉन्स्टेंट है, छठा कॉमोडिटी जो है डिविजिबल, उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड सातवां कंजम्पशन टेक प्लेस एट गिवन टाइम पीरियड। क्रिटिसिज्म क्या है, ये लोग क्यों एप्लीकेबल नहीं है, तो इसके लिए कुछ बातें हैं। बोलता है कंज्यूमर फुली रैशनल नहीं होता, कई बार ऐसा होता है हम पीयर प्रेशर में आके भी कुछ गुड्स को यूज कर लेते हैं जो अपने काम की भी नहीं है, फिर भी तो अजम्पशन क्या माना कि कंज्यूमर रैशनल है, जो कि रूल एप्लीकेबल नहीं है। फिर कंज्यूमर इज नॉट कैलकुलेटिंग, कंज्यूमर हमेशा जो है वो यूटिलिटी कंप्यूट करता नहीं रहेगा, वो गुड्स यूज करेगा, अच्छा लगा तो ठीक, बुरा लगा तो ठीक, और वो आगे से क्या करेगा, अच्छा लगा तो आगे भी लेगा, बुरा लगा तो लेना बंद कर देगा। फिर शॉर्टेज ऑफ द गुड्स, इस केस के अंदर जो है ये रूल आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, हम हमेशा ये मानते हैं कि अबंडेंस अमाउंट में अवेलेबल है, बट गुड्स के कई बार शॉर्टेज हो जाती है। फिर फैशन का इन्फ्लुएंस पड़ता है, कई बार कंज्यूमर इग्नोरेंस में आके बीच जो है ऐसी कॉमोडिटी को यूज करता है जिससे उसको यूटिलिटी नहीं मिल रहा। गुड्स की इंडिविजिबिलिटी, हमने ये माना कि गुड्स डिविजिबल है लेकिन सारे गुड्स को डिविजिबल आप नहीं मान सकते। इनकम एंड प्राइस कॉन्स्टेंट आपने मान लिया लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनडेफिनेट बजट पीरियड आपने लेकर चले हैं लेकिन ऐसा भी नहीं होता। कार्डिनल मेजरमेंट जो यूटिलिटी का पॉसिबल नहीं है और एमयू ऑफ मनी में चेंज होता रहेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर जो है ये रूल आपका एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वहां पर आपको दोनों ही गुड्स एक साथ जो है वो लेनी पड़ती है। अब आएगा कंज्यूमर इक्विब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस की अप्रोच। कंज्यूमर इक्विब्रियम क्या है, कंज्यूमर इक्विब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर अपने आपको जो है वो बेस्ट मानता है, क्या मानता है, बेस्ट मानता है, और वो जो है उसके अपनी करंट कंजम्पशन के अंदर कोई भी जो है वो चेंज करना नहीं चाहता है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंज्यूमर इक्विब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विब्रियम रेफर टू सिचुएशन वेयर इन कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ द लिमिटेड इनकम एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, और वो एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज करना नहीं चाहता, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्या, कंज्यूमर इक्विब्रियम। क्या क्या कंडीशन है कंज्यूमर इक्विब्रियम के लिए, अजम्पशन पहले पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला कंज्यूमर रैशनल है, बकवास बकवास अजम्पशन, वही जो ऊपर जब कार्डिनल अप्रोच पड़ा उसकी जो अजम्पशन है वही सारी है। दूसरा कार्डिनल यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, एमयू ऑफ मनी कांस्टेंट है, फिक्स इनकम प्राइस है, टेस्ट कांस्टेंट है एंड परफेक्ट नॉलेज। कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो डिटरमाइन करेंगे अगर सिंगल कॉमोडिटी और वन यूज है तो वहां पर कंज्यूमर इक्विब्रियम की कंडीशन क्या रहेगी, एमयू ऑफ गुड्स एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। सिंगल कॉमोडिटी सेवरल यूज है तो कंडीशन क्या रहेगी, एमयू ए यूज इज इक्वल टू एमयू बी यूज। सेवरल कॉमोडिटी है तो कंडीशन क्या रहेगा, एमयू एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई इज इक्वल टू एमयू ऑफ मनी। अब ये जो कार्डिनल अप्रोच है वो अच्छी अप्रोच नहीं है, उसके पीछे का रीजन सबसे पहला बोलते हैं यूटिलिटी सब्जेक्टिव टर्म है। दूसरा कार्डिनल मेजरमेंट करना यूटिलिटी का पॉसिबल नहीं है, हर कॉमोडिटी जो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, एमयू को हर केस में जो है वो कंप्यूट नहीं कर सकते, एमयू ऑफ मनी जो है वो कॉन्सर्न नहीं है, बहुत सारी अजम्पशन ली है जो अनलिस्टेड नेचर की है, इनकम रेट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को सेपरेट करके नहीं दिखाया गया जबकि उसमें इंडिफरेंस जो कर पड़ेंगे वहां पे करके दिखाया गया है, कंज्यूमर को जो है वो कंप्यूटर मान लिया कि वो बारी बारी यूटिलिटी कंप्यूट करता रहेगा जबकि ऐसा नहीं है, यूटिलिटी एनालिसिस ब्रेक डाउन इन द प्लैंड इकोनॉमी, प्लैंड इकोनॉमी में यूटिलिटी एनालिसिस नहीं चलता है एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन द गिफन पैराडॉक्स। अब कुछ खास बातें और हैं, वो क्या की पॉइंट्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर जो है यूटिलिटी एथिकल न्यूट्रल है, एथिकल न्यूट्रल मतलब ये है कि यूटिलिटी का और एथिक्स का कोई लेना देना नहीं है। कई बार लोगों को शराब पी के भी जो है वो यूटिलिटी मिलती है लेकिन मोरली जो है एथिकली जो है शराब पीना जो है वो क्या खराब चीज है, कई लोगों को स्मोकिंग करके यूटिलिटी मिलता है लेकिन एथिकली जो है स्मोकिंग करना क्या है, बेकार है। तो ये क्या बोलते हैं, यूटिलिटी का एथिक्स को लेना देना नहीं है। सेकंड यूनिट विच मेजर द यूटिलिटी इज उसको क्या बोलते हैं, यूटिल बोलते हैं। आगे इट हैज टू अप्रोच, दो अप्रोच है, एक है कार्डिनल एक ऑर्डिनल। कार्डिनल बोलता है कि यूटिलिटी को काउंटिंग नंबर से मेजर कर सकते हैं और ऑर्डिनल ये बोलता है यूटिलिटी क्वांटिफाइबल नेचर का नहीं है। लो ऑफ डीएमयू जो है उसको गोसन का फर्स्ट लो बोलते हैं, लो ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी उसको गोसन का सेकंड लो बोलते हैं, और आईसी का जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम दो अलग अलग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे गुड्स के
और हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो है आपका, मतलब दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन पड़ेंगे और हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा कंज्यूमर सरप्लस जो टर्म है इसको दिया था किसने, एल्फर्ड मार्शल ने, ध्यान रखना। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा जहां पे मार्जिन यूटिलिटी जो है वो बराबर होगा किसके, प्राइस के। ओके जी सर, लो जी ये हो गया आपका चैप्टर नंबर थर्ड, आज का चैप्टर थर्ड कार्डिनल अप्रोच। अब पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। चैप्टर सिक्स में जो आपका आईसी कर्व अप्रोच है, तो पहले अपने को जो है वो ये देखना पड़ेगा आईसी कर्व अप्रोच में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये भी वही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो बताएगा बेसिकली आपको आईसी अप्रोच के थ्रू। तो दो अप्रोच था, एक था आपका कार्डिनल, एक है ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो यहाँ पे रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो ये क्या है, बोलते हैं यूटिलिटी अप्रोच जो है वो बेस थी अजम्पशन पे कि कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी जो है वो क्या है, पॉसिबल है। मतलब जो पहले वाला चैप्टर पढ़ा वहां पे हमने ये देखा कि कोई भी कॉमोडिटी को जब आप कंज्यूम करेंगे तो उसके कंजम्पशन से आपको जो यूटिलिटी मिलती है तो वो आप काउंटिंग नंबर्स के अंदर जो मेजर कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं है। तो उसके लिए जो है एक नया अप्रोच जो है वो आया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो हिक्स ने यह अप्रोच जो है वो प्रोपाउंड किया था। अब ये अप्रोच जो है वो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आईसी। आईसी जो है वो क्या है, इंडिफरेंस कर्व बेसिकली जो है वो क्या है, दो अलग अलग कॉमोडिटीज के वेरियस कॉम्बिनेशन है, लेकिन हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पे जो वर्ड है वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं यूटिलिटी, मतलब किसी गुड्स को कंज्यूम करने पर आपको क्या मिलेगा, यूटिलिटी। लेकिन यहाँ पे जो आप वर्ड यूज करेंगे दैट इज अ सेटिस्फेक्शन। तो ये आईसी क्या है, आईसी एक कर्व है जो शो करेगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटी यील्डिंग द इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉमोडिटीज के वेरियस कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन हर कॉम्बिनेशन से आने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। आप अजम्पशन दे रखिए आपका आईसी का वो क्या, सबसे पहला रैशनल कंज्यूमर, हम ये मानते हैं कि कंज्यूमर जो वो क्या है, रैशनल है, कंज्यूमर सोच समझ के अपनी इनकम को क्या करेगा, खर्च करेगा। दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी को काउंटिंग नंबर्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसको जो है वो हम प्रोपोर्शन में हम ये सब ले सकते हैं। फिर डीएमयू, मतलब ये बोलता है कि डीआरएस, यहां पे हम डीआरएस को यूज करेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये बोलता है कि जैसे मतलब अगर आप जो है वो क्या करोगे, एक कॉमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाओगे तो आपको दूसरी कॉमोडिटी कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या चाहते हो, सेम चाहते हो। तो ये बोलते हैं आईसी एनसी अज्यूम डेट एमआरएस जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिमिनिश होगा। मतलब ये है एक एडिशनल यूनिट को गेट करने के लिए, जो आप कॉमोडिटी आप दूसरी कॉमोडिटी की जितनी यूनिट का आप त्याग करोगे वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा। फिर नॉन सेडिटी, नॉन सेडिटी का मतलब कभी भी जो है वो नॉन सेडिटी लेवल पे, मतलब सेडिटी लेवल पे आप नहीं पहुंचोगे, मतलब कभी भी आपके जो वॉन्ट्स है वो फुली सेटिस्फाई नहीं होगा। और सिलेक्शन में क्या रहेगा, कंसिस्टेंसी, अगर आपने जो एक बार ये बोल दिया कि कॉमोडिटी ए इज ग्रेटर देन ए, ज्यादा यूनिट दे रहा है बी से, तो अगली बार आप ये नहीं बोलोगे बी ज्यादा दे रहा है किससे, ए से। और फिर है ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी जो है वो ये बोलता है कि अगर मान लो आपने कभी एक एक कॉम्बिनेशन को जो है वो सिलेक्ट किया था बी के मुकाबले में और बी को सिलेक्ट किया था सी के मुकाबले में, तो ए अपने आप ही आपने सिलेक्ट कर लिया किसके मुकाबले में, सी के मुकाबले में। फिर आएगा इंडिफरेंस मैप, जो अलग अलग जो आपके इंडिफरेंस कर्व है तो उनकी जो फैमिली होती है उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। वहां पे इंडिफरेंस मैप के अंदर आपको वेरियस इंडिफरेंस जो कर्व है वो आपको एक जगह पे देखने को मिलेंगे। फिर एमआरएस जो है वो क्या बोलता है, एमआरएस ये बोलता है कि जब आप किसी एक मतलब आप दो कॉमोडिटी को एक साथ लेके चलोगे, जो कॉम्बिनेशन होगा वो तो दो कॉमोडिटी का होगा और हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एमआरएस बेसिकली ये बोलता है कि अगर आप किसी एक कॉमोडिटी की यूनिट को क्या करोगे, एक्स्ट्रा बढ़ाओगे, तो दूसरी को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब किस रेट से छोड़ना पड़ेगा वो बताता है आपका क्या एमआरएस। अब एमआरएस जो है वो तीन तरीके का, एक है कौन सा, कॉन्स्टेंट। अगर एक एडिशन यूनिट को गेन करने के लिए दूसरी कॉमोडिटी की एक ही एडिशन एक ही यूनिट को मैं क्या कर रहा हूं, त्याग कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्स्टेंट। इंक्रीजिंग क्या, जब आपका एमआरएस लगातार बढ़ता रहे, मतलब पहले एक कॉमोडिटी को, मतलब ए प्रोडक्ट की एक कॉमोडिटी को गेन करने के लिए बी प्रोडक्ट की मैंने एक ही छोड़ी, अगली बार फिर एक और को गेन करने के लिए मैंने दो छोड़ दी, फिर एक को लेने के तीन छोड़ दी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपका इंक्रीजिंग एमआरएस। तो डिमिनिशिंग जो है वो क्या होता है कि जब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक एक कॉमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट को एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन को गेन करने के लिए बी कॉमोडिटी की धीरे धीरे जो है वो कम यूनिट को हम सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग एमआरएस। अब आएगा अजम्पशन क्या, आईसी का रुका तो बोलता है रैशनल, कंज्यूमर रैशनल है, यूटिलिटी जो है वो ऑर्डिनल नेचर की है। तीसरा एमआरएस जो है वो डिमिनिशिंग है, नॉन सेडिटी, कंसिस्टेंसी सिलेक्शन में एंड ट्रांजिटिविटी। प्रॉपर्टी क्या है आईसी का रुका, तो सबसे पहला आईसी का जो है जनरली स्लोप क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, लेफ्ट टू राइट। इसके लिए सारी एक्सप्रेशन आपको लिखवा रखी थी वो कर लेना एक बार वहां से, ठीक है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में करवा रहा हूं। फिर आईसी जो है वो कन्वेक्स रहेगा आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। तीसरा, दो आईसी कभी भी एक दूसरे को ना तो टच करेंगे ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तीसरा, चौथा, हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितना आईसी का लेवल जो है, जितना आईसी ऊपर होगा उतना सेटिस्फेक्शन का लेवल ज्यादा होगा। आईसी का शुड जनरली नॉट टच द एक्स नॉट द वाई एक्सिस एंड आईसी कर्व जो है नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। कुछ एक्सेप्शनल जो शेप्स आपको, वैसे तो आईसी जो है वो ये ऐसा रहेगा, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है इससे कन्वेक्स रहेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जो आपके
शेप्स हैं वो क्या है, स्ट्रेट लाइन कहां मिलेगा, जहां पर दो कम्युनिटी एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो वहां पे आपको स्ट्रेट लाइन कर स्ट्रेट लाइन आईसी देखने को मिलेगा। एल शेप कहां मिलेगा, जहां पे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हॉरिजॉन्टल आईसी कहां मिलेगा, एक गुड डेट गिव्स द जीरो सेटिस्फेक्शन। यू शेप देखने को मिलेगा, एक गुड डेट गिव्स द नेगेटिव यूटिलिटी। इसके बाद एक टर्म आता है आपका बजट लाइन है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइस लाइन। बजट लाइन जो है वो क्या होता है, आपके पास में जो इनकम है उस इनकम में आप दो अलग अलग कॉमोडिटी की कितनी क्वांटिटीज को परचेस कर सकते हो, उसको बोलते हैं बेसिकली आप लोग क्या, बजट लाइन। तो बजट लाइन जो है कंज्यूमर की औकात बेसिकली जो है वो डिनोट करता है। बजट लाइन की प्रॉपर्टी बता रखिए, पहला इट विल बी स्ट्रेट लाइन, दूसरा इट विल हैव द नेगेटिव स्लोप, तीसरा जिसका जो स्लोप है वो इक्वल होगा नेगेटिव इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ टू कॉमोडिटी, चौथा सपोज टू बजट लाइन इनवॉल्व द सेम कॉमोडिटी प्राइस बट रिप्रेजेंट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, देन द टू लाइन विल बी पैरेलल। जो दो बजट लाइन है वो एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। आप शिफ्टिंग को बजट लाइन बता रखा है, पहला क्या चेंज इन इनकम, अगर आपकी इनकम जो क्या होती है बढ़ती है तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा किसको, राइट को, नहीं तो, और अगर इनकम कम होती है तो बजट लाइन अंदर को शिफ्ट हो जाएगा। प्रोपोर्शनल चेंज ऑल प्राइस, अगर सारी कमोडिटीज के प्राइस है और लगातार एक साथ जो है वो क्या होता है कम होते हैं तो बजट लाइन बाहर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आप जो है वो कम उसी इनकम में जो है वो ज्यादा क्वांटिटी परचेस कर सकते हो, और अगर मान लो सभी के रेट बढ़ते हैं तो बजट लाइन अंदर को शिफ्ट हो जाएगा। चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, अगर एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है तो दूसरी कमोडिटी का जो पॉइंट है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी एनालिसिस, इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। आईसी एनालिसिस के बेस पर हम जो है वो कंडीशन क्या, पहले तो अजम्पशन लेके चलेंगे, ठीक है। अजम्पशन हमारी जो है वो क्या है, कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम है वो क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा कंज्यूमर जो है वो जानता है प्राइस के, कंज्यूमर नो द प्राइस ऑफ ऑल थिंग। आगे कंज्यूमर कैन स्पेंड हिज इनकम इन स्मॉल क्वांटिटी। आगे कंज्यूमर जो है वो कैसा, रैशनल है। आगे कंज्यूमर फुली अवेयर है आईसी मैप के लिए, एंड गुड्स जो है वो कैसा, डिविजिबल। तो ये अजम्पशन हम लेके चलते हैं। अब कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो बोलता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पे होगा एज पर द आईसी, पहला जहां पे प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट है किसके, आईसी के। प्राइस लाइन जो है वो टेंजेंट होगा आईसी कर्व के, और दूसरा आईसी कर्व जो है वो कन्वेक्स होगा टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और यहां पे आपका जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगा, एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू प्राइस एक्स अपॉन में प्राइस वाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना आप, प्रैक्टिकल आपको सारा करवा रखे, देख लेना बुक में से, ठीक है ना, एक बार जरूर करके जाना, कभी छोड़ दो उसको, ओके। अब कंपेयर करते हैं दोनों अप्रोच को, हमने आईसी भी पढ़ लिया और हमने एमयू भी पढ़ लिया, तो दोनों अप्रोच के अंदर क्या सुपीरियरिटी है। तो पहले बोलते हैं कि देखिएगा ऐसा है बेसिकली कि जो हिक्स के अप्रोच है, मतलब जो आईसी कर्व अप्रोच है ना, वो आपके सुपीरियर है आईसी आपका मार्शल अप्रोच के मुकाबले में। तो एल्फर्ड मार्शल ने यूटिलिटी अप्रोच दिया था, लेकिन हिक्स की जो अप्रोच है आईसी कर्व अप्रोच जो है वो ज्यादा सुपीरियर है। क्यों, पहला बोलता है रैशनैलिटी अजम्पशन, मतलब हम ये मानते हैं कि पहले तो सिमिलरिटी बता रहे हैं, दोनों अप्रोच में सिमिलरिटी है। तो बोलते हैं एक तो दोनों में ये माना गया कंज्यूमर रैशनल है, दूसरा प्रोपोर्शनल रूल लेके चले, एक जगह पे मार्जिन यूटिलिटी का और एक जगह पे जो है वो हम लेके चले किसका, आपका एमआरएस का। फिर दोनों जगह पे हमने माना कि एमयू और एमआरएस दोनों क्या होंगे, डिमिनिश होंगे, और कंक्लूजन दोनों का क्या, सेम है। लेकिन हिक्स की अप्रोच ज्यादा सुपीरियर, ऐसा क्यों, पहला बोलते क्योंकि इट डिस्पेंस विद कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी, क्योंकि इसने जो है वो कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी का नहीं लिया, ये इसने ये अज्यूम नहीं किया कि यूटिलिटी को आप कार्डिनल नंबर के अंदर जो है मेजर कर सकते हो। दूसरा इसने एक्सप्लेन किया इनकम फैक्ट को एंड प्राइस इफेक्ट को। अब देखो मार्शल ने अज्यूम किया था कि एमयू जो है मनी का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब प्राइस का जो है वो कमोडिटी प्राइस सेम रहेंगे और कमोडिटी की डिमांड के ऊपर या यूटिलिटी के ऊपर उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि जो आईसी कर्व अप्रोच है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि एमयू ऑफ मनी जो है वो क्या होता है, जबकि एक्चुअल में एमयू ऑफ मनी क्या होगा, चेंज होगा। वेयर एज द इफेक्ट इज दैट विद राइज और फॉल इन इनकम, जब आपकी इनकम बढ़ती है इनकम कम होती है तो एमयू ऑफ मनी क्या होगा, चेंज होता है। जैसे अगर आपकी इनकम कम होती है तो आप पैसे की पावर जो है बढ़ जाती है, मतलब आपके लिए पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है, तो एमयू ऑफ द मनी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपकी इनकम कम होती है, इनकम अगर आपकी ज्यादा होती है तो पैसे की पावर जो है वो क्या होती है, कम रहती है। तो बोलता है आईसी कर्व अप्रोच जो है वो क्या बोलता है, उसने इनकम इफेक्ट को लेके चला इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो उसने जो है वो क्या बताया, द आईसी कर्व अप्रोच हाउएवर टेक इनटू कंसीडरेशन द इनकम इफेक्ट चेंजेस इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा ये कॉम्बिनेशन लेके चला दो गुड्स का, वहां पे मार्शल अप्रोच में तो आप सिंगल गुड्स को लेके चले, लेकिन ये दो गुड्स को जो है वो लेके चला है, ठीक है। आगे फिर एप्लीकेशन द्वारा प्रिंसिपल एमआरएस, इसके अंदर आप जो एमआरएस के प्रिंसिपल को अप्लाई जो है वो कर करके देखते हो, और जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच है। आगे आईसी कर्व अप्रोच जो है वो पॉपुलर है फॉर द एनालिसिस ऑफ द वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर जो है आपके आईसी कर्व जो है वो ज्यादा काम करती है, मतलब जो प्लैंड इकोनॉमिक्स है वहां पर आपका ज्यादा काम करती है। लेकिन आईसी कर्व अप्रोच की कुछ क्रिटिसिज्म है, वो क्रिटिसिज्म क्या है, सबसे पहला लोग बोलते हैं कि ये ओल्ड वाइन है न्यू बोटल में, मतलब बात ये भी वही कर रहे हैं जो पुराने वाला कर रहा था। दूसरा इट इज अवे फ्रॉम द रियलिटी, तीसरा इट इज अ मिडवे हाउस, चौथा कंज्यूमर जो है रैशनल नहीं है, पांचवा टू गुड मॉडल जो अनलिस्टिक, अगर आपको एक ही कमोडिटी चाहिए तो वहां पे आपका आईसी कर्व अप्रोच काम नहीं करता, एंड ऑल कमोडिटी आपने ये माना कि डिविजिबल है, लेकिन सारी कमोडिटी डिविजिबल नहीं होती है, इसलिए ये सब क्रिटिसिज्म है किसका, आईसी अप्रोच का। ओके जी सर, लो जी आईसी वाला चैप्टर हो गया। अब करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम जो है वो है क्या, आपका
प्रोडक्शन। अब वैसे तो अगर जो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट है वो अब आगे के तीन चैप्टर प्रोडक्शन वाला, कोस्ट वाला, रेवेन्यू वाला, आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते, सीधा मार्केट वाले पे जाना, लेकिन मैं कहूंगा आप ये वीडियो जरूर लगा लो, एक लगभग आधे घंटे में मैं तीनों, आधे या 40 मिनट में तीनों चैप्टर करवा दूंगा, तो ये आप लगा लोगे तो फायदा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना जी सर। तो अभी हम पढ़ेंगे कौन सा अपना नया चैप्टर, जिसका नाम जो है वो है क्या, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो चैप्टर नंबर 7 है दैट इज अ लो वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर लो ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ने के लिए हमारे पास में जो है वो दो चीजें आएंगी, एक आएगा जी आपका प्रोडक्शन फंक्शन इन द शॉर्ट रन, एक आएगा प्रोडक्शन फंक्शन इन द लॉन्ग रन। अब देखो पहले तो ये प्रोडक्शन का डिसीजन जो है ये है क्या, अगर इसकी बात करते हैं तो बोलता है प्रोडक्शन डिसीजन का मतलब क्या, इट रेफर टू डिसीजन ऑफ ए प्रोड्यूसर टू कंबाइन इनपुट और फैक्टर प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस आउटपुट सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जब एक प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता है, इनपुट का कॉम्बिनेशन आता है और इनपुट से जो है वो आउटपुट या प्रोडक्शन करता है, तो वो जो डिसीजन लिया जाता है बेसिकली उस डिसीजन को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन डिसीजन। अब थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या बताती है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में यह बताया जाता है कि किस तरीके से एक प्रोड्यूसर गिवन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब ये टेक्नोलॉजी के कॉन्स्टेंट रहने पर किस तरीके से एक प्रोड्यूसर जो है वो इनपुट या वेरियस कॉम्बिनेशन को क्या करता है, कंबाइन करता है, क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए डेफिनेट अमाउंट ऑफ द आउटपुट इन इकोनॉमिकली एफिशिएंट मैनर। अब क्वेश्चन यहां पे जो है वो ये निकल गया था, हाउ आउटपुट आर कंबाइन, आउटपुट को कैसे कंबाइन करें, ठीक है, मतलब देखो आउटपुट को इस मतलब प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं आप दो तरीके से, या तो आप प्रोडक्शन को आप बढ़ाएंगे टेक्निक को अच्छा करके, लेकिन हमने ये मान लिया टेक्निक कॉन्स्टेंट है तो प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो इनपुट को बढ़ा करके, ठीक है। अब यहां पे हम लोग जो वो क्या करेंगे, इनपुट का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, इनपुट का इस तरीके कॉम्बिनेशन बनाएंगे टू प्रोड्यूस ए गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमिकल वे। इस तरीके से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, आउटपुट कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि अपने को जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या है अपना मिनिमम आए। अब थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या बोलती है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन सीक टू एक्सप्लेन द रिलेशन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली इनपुट और आउटपुट में रिलेशन मेंटेन करने की बात करती है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन मेनली कंसर्न है दो चीजों से, एक है प्रोडक्शन फंक्शन और एक है आपका लॉ ऑफ प्रोडक्शन, एक एक करके पढ़ेंगे दोनों चीजों को। सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो क्या करता है, इनपुट और आउटपुट के अंदर रिलेशन मेंटेन करने की जो है वो क्या करेगा, बात करेगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन रेफर द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स परचेज एंड द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन नेसेसरी टू प्रोड्यूस इट। तो ये बात ध्यान रखना, प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, तीन चीजों के ऊपर। प्रोडक्शन डिपेंड करता है आपके लेबर पर, प्रोडक्शन डिपेंड करता है कैपिटल पर, प्रोडक्शन डिपेंड करता है किस पे, लैंड पे। एक फर्म जो है वो इंक्रीज कर सकती है अपना आउटपुट या तो क्या करके, इंप्रूव करके अपनी टेक्नोलॉजी में और वेरियस और बाय यूजिंग वेरियस आउटपुट और बाय अंडरलाइंग बोथ अल्टरनेट साइमल्टेनियसली। प्रोडक्शन फंक्शन एज्यूम करता है कि टेक्नोलॉजी क्या कांस्टेंट है, तो आउटपुट को इंक्रीज किया जाएगा ओनली कैसे, इनपुट को इंक्रीज करके। अब आएगा आपका यहां पे टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप के नाम पे जो है तीन तरीके से, एक है प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन प्रोपोर्शन। इसके अंदर क्या होगा, सिंगल एक वेरिएबल, एक जो आपका इनपुट है वो क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, बाकी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर आप वेरिएबल इनपुट के प्रोपोर्शन अगर उसको चेंज करोगे तो आपका जो प्रोपोर्शन है वो क्या होता रहेगा, चेंज होते रहेगा। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन स्केल। इसके अंदर क्या होगा, सारे के सारे जो भी आपके फैक्टर प्रोडक्शन है वो क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। और एक प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन प्रोपोर्शन ऑफ स्केल। इसमें क्या होगा, चेंज होगा टू और मोर इनपुट में जो एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट है। इसके लिए पढ़ेंगे हम लोग क्या, आइसोक्वांट कर्व को, ठीक है ना, आइसोक्वांट कर्व को। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को, और जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन फंक्शन है वहां पे पढ़ते हैं हम लोग किसको, आइसोक्वांट कर्व को, ठीक है ना। अब लो रिटर्न जो होता है आपका लॉन्ग रन फिनोमिना है, जिसके अंदर मतलब जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन स्केल है, मतलब यहाँ पे सारे फैक्टर क्या रहेंगे, आपके वेरिएबल रहेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके से, एक होगा आपका होमोजीनियस, एक होगा आपका नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर जो है वो हम क्या क्या करते हैं बेसिकली कि जितने परसेंट से आप इनपुट को बढ़ाओगे उतने परसेंट से आपका आउटपुट भी बढ़ेगा, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस क्या होता है, जितने परसेंट से आप इनपुट को बढ़ाओगे उतने परसेंट से आपका इनपुट जो है इंक्रीज नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या फिर क्या होगा, कम परसेंट से इंक्रीज होगा, ठीक है। और आइसोक्वांट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं इनपुट यूज इन द फिक्स प्रोपोर्शन आउटपुट क्या है सेम, या इनपुट यूज क्या वेरिएबल प्रोपोर्शन और आउटपुट क्या है सेम है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा लो ऑफ प्रोडक्शन। लो प्रोडक्शन की बात करें दो तरीके का, एक है लो ऑफ रिटर्न टू स्केल शॉर्ट रन फिनोमेना, जिसके अंदर एक फैक्टर फैक्टर प्रोडक्शन आपका क्या रहेगा, आपका वेरिएबल रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। और लो ऑफ रिटर्न टू स्केल ये है आपका लॉन्ग रन फिनोमेना। तो फैक्टर लो ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, लो ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर ये है आपका शॉर्ट रन फिनोमेना, और लो ऑफ रिटर्न टू स्केल ये है आपका लॉन्ग रन फिनोमेना, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इधर द अमाउंट ऑफ एफओपी इज टू बी इंक्रीज और द टेक्निकल प्रोडक्शन इज टू बी इंप्रूव। यहां पे हम एज्यूम करते हैं कि टेक्निकल प्रोडक्शन क्या कांस्टेंट है, देन चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन विल डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आगे अब आएगा फैक्टर दो तरह के, एक है फिक्स इनपुट और एक है वेरिएबल। फिक्स इनपुट क्या होते हैं, फिक्स इनपुट वो होते हैं जो
फिक्स इनपुट ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज वन द क्वांटिटी ऑफ विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन एज अ लेवल ऑफ आउटपुट चेंज। तो आउटपुट के लेवल में चेंज होने पर जिनकी क्वांटिटी अभी भी सेम रहती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, फिक्स इनपुट या फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन। और वेरिएबल इनपुट कौन से होते हैं कि अगर आप आउटपुट के लेवल को क्या करोगे, चेंज करोगे, उसके हिसाब से अगर आपको इनपुट भी चेंज करने पड़े तो उनको बोलते हैं वेरिएबल इनपुट या फिर वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। टाइम पीरियड के अंदर दो तरीके, दो ओरिजिन में पड़ते हैं, एक होता है शॉर्ट पीरियड, एक है लॉन्ग। शॉर्ट पीरियड के अंदर जो है हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट पीरियड डिफाइन करेंगे ऐसे पीरियड को जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या होंगे, फिक्स होंगे, बाकी क्या होंगे, वेरिएबल। और लॉन्ग पीरियड वो है जहां पे सारे फैक्टर प्रोडक्शन क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। वेरिएशन जो होगा ना इन द आउटपुट में वो तीन तरीके से, एक है टीपी, एक एपी, एक एमपी। टीपी क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन, मतलब जितने भी वेरिएबल फैक्टर हैं, टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज द मैक्सिमम आउटपुट, जो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, ठीक है। मतलब फिक्स फैक्टर के साथ में जितने भी वेरिएबल फैक्टर हैं सबको लगाने से जो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिला उसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। एवरेज क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर सिंपली द टोटल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, टीपी अपॉन में एल करके। और तीसरा जो है वो क्या, एमपी, मार्जिनल प्रोडक्शन। एक वेरिएबल फैक्टर की एक एडिशनल यूनिट को एप्लीकेबल करके जो टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्जिनल प्रोडक्शन। अभी आपको रिलेशन उतार के एक बार देख लीजिएगा बुक के अंदर। अब यहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं, दी एपी एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज व्हेन एमपी जो है वो ग्रेटर होता है किससे, एपी से। एपी जहां पे मैक्सिमम होगा तो वहां पे एपी और एमपी बराबर होंगे, एपी डिक्रीज तो एमपी जो है वो क्या होगा, लेस देन एपी होगा। एमपी कैन बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, लेकिन एपी जो है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आगे अब लो प्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है हम पढ़ते हैं दो तरीके से, एक है लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक है लो रिटर्न टू स्केल। लो वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है ये क्या बोलेगा, ये यहाँ पे सिंगल वेरिएबल प्रोपोर्शन रहेगा, मतलब अदर फैक्टर क्या रहेंगे, कॉन्सेंट रहेंगे और ये शॉर्ट रन एनालिसिस है। और लो रिटर्न टू स्केल जो है वो क्या है, यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर जो क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। और यहाँ पे जो है ये क्या है, लॉन्ग रन एनालिसिस है। अब सबसे पहला जो है वो क्या है, लो ऑफ रिटर्न टू फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन विद वन वेरिएबल इनपुट। अब ये क्या बोलते हैं, अब यहां पे तीन तरीके से है, देखो पहले तो ये देखते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, जैसे जैसे अगर मान लो आप फिक्स फैक्टर के साथ में वेरिएबल फैक्टर की जितनी यूनिट को लगाओगे और अगर प्रोडक्शन उससे ज्यादा अनुपात में क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, उसको बोलते मतलब जब आपका प्रोडक्शन जो है बढ़ते रेट से बढ़े तो उसको बोलते हैं क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। कॉन्स्टेंट क्या होता है, जब फिक्स फैक्टर के साथ में वेरिएबल फैक्टर की यूनिट लगाने पर आपका जो प्रोडक्शन है वो भी सेम रेट से बढ़ रहा है। और डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, जब फिक्स फैक्टर के साथ में वेरिएबल फैक्टर की एडिशनल यूनिट को लगाने पर आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब इसके लिए हम पढ़ेंगे लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये क्या बोलता है, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो ये बोलता है अगर बाकी सारी बातें जो है वो क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, तो जैसे जैसे आप जो है वो क्या करोगे, आप वेरिएबल फिक्स फैक्टर के साथ में जैसे वेरिएबल फैक्ट्री मोर एंड मोर यूनिट्स को क्या करोगे, एम्प्लॉय करोगे, तो वैसे वैसे प्रोडक्शन जो है वो पहले बढ़ते रेट से बढ़ेगा, फिर कॉन्स्टेंट रेट से और फिर डिमिनिशिंग रेट से जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये बोलता है आपका लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये बताएगा जैसे जैसे आप जो है वो फिक्स फैक्टर के साथ में वेरिएबल फैक्टर की एडिशनल यूनिट को क्या करोगे, आप लगाने का काम करोगे, तो वैसे वैसे आपका जो प्रोडक्शन है वो पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर कॉन्स्टेंट रेट से और फिर डिमिनिशिंग रेट से, ठीक है। ये जो आपका लो वेरिएबल प्रोपोर्शन है इसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, इसको लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब आएगा जी आपका अजम्पशन क्या क्या है, तो अजम्पशन यहां पे सबसे पहली है वन ऑफ द फैक्टर क्या रहेगा, वेरिएबल, बाकी सारे फैक्टर क्या रहे, फिक्स। आगे जितने भी यूनिट है वेरिएबल फैक्टर का वो क्या होंगे, होमोजेनियस होंगे। आगे देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। आगे फैक्टर प्रोडक्शन कैन बी यूज इन द डिफरेंट प्रोपोर्शन, फॉर एग्जाम्पल 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड 1 लेबर, 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड 4 लेबर, इस तरीके से। इसके बाद आएगा जी आपका स्टेजेस। तो बेस्ट स्टेज जो है वो कौन सा होता है, बेस्ट स्टेज जो है इसमें स्टेज नंबर क्या है, 2। तो स्टेज ऑफ द रैशनल डिसीजन जो है वो क्या, स्टेज नंबर 2, जहां पे आपका जो फिक्स फैक्टर है उसका हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लिया हो, ठीक है ना। इसके बाद आएगा जी आपका, क्योंकि उसके बाद अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपका जो MU है वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो क्या, नेगेटिव हो जाएगा, तो बल्कि अपने लिए नुकसान हो जाएगा। तो स्टेज 2 हमारे लिए जो है वो क्या है, बेस्ट है, ध्यान रखना। इसके बाद कंडीशन क्या है, ये लो जो है वो क्यों एप्लीकेबल है, मतलब जो आपका लो ऑफ रिटर्न टू फैक्टर है ये क्यों एप्लीकेबल है, तो इसके लिए सबसे पहले बोलता है क्या, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर। कुछ फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो क्या, इंडिविजिबल है। इसका मतलब ये, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स अप टू ए गिवन लिमिट एटलीस्ट 1 यूनिट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर क्या है, कंपलसरी। फिर यहां पर हम ये मानते हैं चेंज द क्या होगा, फैक्टर रेशियो। जैसे पहले लैंड तो कॉन्स्टेंट है मान लो 1, तो पहले 1:1 था, लेबर 1:1 है, फिर 1:2 हो गया, 1:3 हो गया, तो आपका फैक्टर रेशियो जो है वो क्या होता रहेगा, चेंज। तीसरा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, वन फैक्टर कैन नॉट बी यूज इन प्लेस ऑफ द अदर फैक्टर इनडेफिनेटली। अगर इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मिल गया तो वहां पे ये जो आपका
जो रूल है या फिर ये जो आपका लो है एप्लीकेबल नहीं होगा। अब पोस्टपोन ये लो जो है पोस्टपोन हो सकता है दो केस में, पहला अगर टेक्नोलॉजी में क्या हो जाए इंप्रूवमेंट हो जाए, ठीक है, और दूसरा जो है अगर आपको क्या मिल जाए परफेक्ट सिक्योर। एप्लीकेशन लो जो है ये बोलते हैं इट अप्लाई टू द इनपुट यूज इन द एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री वे विच इज वाई इसको क्या बोलते हैं लो। तो हर जगह ये एप्लीकेबल है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एप्लीकेबल है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी एप्लीकेबल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लो बोलते हैं। अब आएगा जी लो फ्रीडम टू स्केल, ये लॉन्ग रन फिनोमेना है, इसके अंदर बेसिकली हम क्या बोलते हैं इनपुट आउटपुट के रिलेशन को कहते हैं हम लोग क्या प्रोडक्शन फंक्शन, ये बात ध्यान रखना। और रिटर्न टू स्केल जो है वो ये बोलता है कि अगर मान लीजिए आप जो है वो क्या करते हो यहां पे सारे के सारे फैक्टर पहली बात तो क्या रहेंगे वेरिएबल, अगर आप वेरिएबल फैक्टर को जो है वो सेम रेशियो के अंदर क्या करोगे इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्शन जो है वो आपका सेम रेट से बढ़ भी सकता है या अलग अलग रेट से भी इंक्रीज हो सकता है। तो रिटर्न टू स्केल रेट बिहेवियर ऑफ द टोटल आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल इनपुट आर वेरिड एंड इन द लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो बोलता है लॉन्ग रन के अंदर जो डिफरेंस होता है ना फिक्स फैक्टर का वेरिएबल फैक्टर का वो क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, और लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं वेरिएबल। अब ये जो रिटर्न टू स्केल है इसकी कुछ अजम्पशन है वो क्या, पहला बोलता है ऑल द फैक्टर प्रोडक्शन क्या है वेरिएबल है, दूसरा दिस लो एज्यूम कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजिकल स्टेट, तीसरा द मार्केट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, चौथा आउटपुट और रिटर्न आर मेजर इन द फिजिकल टर्म। अब ये जो आपका लो है ये क्या एक्सप्लेन करता है, आओ इसको देखते हैं एक बार, ये देखो ये बोलता है कि अगर मान लो आप जो है वो क्या करोगे तीन तरीके से बताएगा, एक होगा यहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, एक होगा कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, एक होगा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो क्या बताएगा, ये बोलता है आप अगर दोनों फैक्टर को अगर जितने परसेंट से आप इंक्रीज करोगे अगर आपका आउटपुट जो है वो उससे ज्यादा परसेंट से इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जैसे देखो यहाँ पे 100% से दोनों को बढ़ाया और ये आपका आउटपुट बढ़ा 200% से। कॉन्सेप्ट ये बोलता है अगर आप जो है वो अपने इनपुट्स को दोनों इनपुट को जो है वो एक साथ बढ़ा रहे हो जिस रेशो से आप बढ़ाओगे और अगर आपका प्रोडक्शन भी उसी रेट से बढ़े तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या, अगर आप अपने इनपुट को जितने परसेंट से आप क्या करते हो इंक्रीज दोनों इनपुट को जिस रेशो से आप क्या करते हो बढ़ाते हो और अगर आपका आउटपुट जो उस रेशो से कम रेशो से बढ़े तो उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग आपको बता दिया ये क्या होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो वो क्या होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग कॉस्ट रेफर टू द सिचुएशन जहां पे ऑल द फैक्टर आर इंक्रीज आउटपुट इंक्रीज एट द हाईर रेट, जहां पे आउटपुट आपका हाईर रेट से इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। बाकी ये रीजन पढ़ लेना इसका। दूसरा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो क्या होता है जब आप यहां पे क्या करते हो वेर ऑल द फैक्टर प्रोडक्शन आर इंक्रीज इन द गिवन प्रोपोर्शन आउटपुट इंक्रीज होता है स्मॉलर प्रोपोर्शन उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। और तीसरा जो है वो है कौन सा कॉन्स्टेंट, ये क्या बोलता है कॉन्स्टेंट, ये बोलता है कि आप इनपुट को जितने परसेंट से क्या अगर बढ़ाओगे और आउटपुट भी उतने परसेंट से अगर बढ़े तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसको होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी जो है या फिर लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है, या इसको फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस फंक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद आएगा जी आइसोक्वांट। अब आइसोक्वांट कर्व जो है वो क्या है, ये आइसोक्वांट अप्रोच जो है ये इसको आइसो प्रोडक्ट अप्रोच भी बोलते हैं। तो आइसोक्वांट कर्व कैसा कर्व होता है जो दो अलग अलग फैक्टर के वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करेगा और हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा आपका सेम आएगा। तो बोलते हैं आइसोक्वांट जो है वो दो वर्ड से बना, एक है आइसो जिसका मतलब इक्वल, क्वांट का मतलब क्या क्वांटिटी। तो आइसोक्वांट का मतलब जो है वो क्या हो गया, इट मींस इक्वल क्वांटिटी या इक्वल आउटपुट, डिफरेंट फैक्टर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स, दिस फैक्टर में बी सब्स्टिट्यूट फॉर वन अनदर। तो ये बेसिकली ये बोलेगा दो अलग अलग वेरिएबल की बात करेगा, ठीक है, जहां पे मतलब आइसोक्वांट जो अप्रोच है वो दो अलग अलग दो इनपुट की बात करेगा, मतलब दो इनपुट के वेरियस कॉम्बिनेशन की बात करेगा और हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, ठीक है। द डिफरेंट कॉम्बिनेशन द टू फैक्टर यील्ड द इक्वल अमाउंट ऑफ टोटल आउटपुट आर डायग्रामेटिकली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए कर्व, देन सच कर्व को बोलते हैं आइसोक्वांट कर्व। तो अब ये जो आइसोक्वांट को अगर आप कर्व के तौर पे देखते हो तो वो बन जाएगा आइसोक्वांट कर्व। तो आइसोक्वांट कर्व क्या करेगा, ये शो करेगा डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन किसका, दो फैक्टर का जो इंप्लाई करते हैं यील्ड करते हैं सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट को। आइसोक्वांट कर्व को जो है वो इक्वल प्रोडक्ट या आइसो प्रोडक्ट या प्रोडक्शन डिफरेंस कर्व भी बोला जाता है। अब आइसोक्वांट शेड्यूल ये जो आपकी टेबल होती है जो दो अलग अलग इनपुट्स के वेरियस कॉम्बिनेशन को शो कर रही है इसको बोलते हैं आइसोक्वांट शेड्यूल। तो आइसोक्वांट शेड्यूल ये बताएगा, ये देखो ये दो अलग अलग आपके इनपुट्स है इनके कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, सॉरी ये एक मिनट को, ये आपके दो अलग अलग जो है वो इनपुट के कॉम्बिनेशन देखो 90, 10, 60, 20, 40, 30, 40 लेकिन आउटपुट जो है वो क्या है सेम है। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या आइसोक्वांट कर्व। तो आइसोक्वांट कर्व क्या करता है, ये बेसिकली दो अलग अलग इनपुट के वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करेगा और हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो आपका प्रोडक्शन है वो क्या रहेगा जी आपका सेम रहेगा, ठीक है जी। और आइसोक्वांट मैप क्या क्या करता है, बेसिकली जितने भी आपके अलग अलग आइसोक्वांट कर्व जब आप उसको एक आइसोक्वांट फैमिली बोल देते हैं इसको, तो एक जब जगह पे एक ग्राफ के अंदर जब आप इसको प्लेस कर दो तो उसको बोलते हैं आइसोक्वांट मैप,
ओके okay. इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी क्या आइसोकॉन कर्व का, तो सबसे पहले आइसोकॉन कर्व जो है वो क्या स्लोप कैसे रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, लेफ्ट टू राइट रहेगा, इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव। इट इज बिकॉज क्योंकि एक फैक्टर जो है सबसे उठे किसका, दूसरे का, अगर एक को बढ़ाओगे दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसके बाद आइसोकॉन कर्व जो है वो कन्वेक्स है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, आइसोकॉन कर्व इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसका मतलब यह है कि फैक्टर एक दूसरे के जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर इज सब्स्टिट्यूट फॉर द एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द अदर फैक्टर विच इज बीइंग सेव, ठीक है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है डिमिनिशिंग एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तीसरा, दो आइसोकॉन कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो आईक्यू कर्व जो है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हायर द आईक्यू कर्व द हायर द लेवल ऑफ आउटपुट, जितना आईक्यू कर्व जो है वो हायर होगा उतना ही आपका आउटपुट का लेवल जो है वो क्या रहेगा, हायर रहेगा। आगे, नॉलेज इन द केस ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, अगर दो फैक्टर एक दूसरे के क्या है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गए हैं तो आईक्यू कर्व जो है वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। एज द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिकम डिफिकल्ट तो आइसोकॉन बिकम कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसके बाद रिज लाइंस, रिज लाइन बेसिकली जो है वो इकोनॉमिक लिमिट जो है वो प्रोडक्शन की बताएगा। रिज लाइन्स ये होती है, ये जो लाइन्स बनी है इनको बोलते हैं रिज लाइन। रिज लाइन के अंदर जो प्रोडक्शन होगा ना तो वहां वो क्या रहेगा, आपका इकोनॉमिक रहेगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो रिज लाइन जो है वो क्या, आइसोकॉन कर्व से आपको ये पता चला कि प्रोडक्शन जो है वो कहां कहां कर सकते हो, वो लाइन जो रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट होता है इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इन लाइंस के अंदर अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपके लिए चीपर रहेगा, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं आप लोग क्या, रिज लाइन। और रिज लाइन से वो जो लोकस निकलता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन पाथ। ये बात ध्यान रखना, ये यहां पर होगा विषय मैं बता देता हूं आपको, यहां से ये रिज लाइन है ना, और यहां से ये जो लोकस निकलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये अलग अलग जो इनके मिनिमम पॉइंट्स को टच करता हुआ इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपेंशन पाथ। ध्यान रखना, करवाया था आपको क्लासेस में। इसके बाद है जी फिर आपका ये आइसोकोस्ट लाइन, आइसोकोस्ट लाइन बेसिकली जो है वो बजट बताता है किसका, आपके, कि कितना बजट जो है वो प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है, मतलब उसके पास जो पैसा अवेलेबल है उसके अंदर वो दो अलग अलग गुड्स के, दो अलग अलग इनपुट के कौन कौन से कॉम्बिनेशन को जो है वो बाय कर सकता है। जैसे उसके पास में टोटल पैसा अवेलेबल है 100, तो वो दो अलग अलग बता दिया कि किन किन को वो बाय कर सकते हैं, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, आइसोकॉस्ट लाइन। तो आइसोकॉस्ट लाइन दो अलग अलग इनपुट के वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करेगा, और लेकिन हर कॉम्बिनेशन का जो आपका टोटल कॉस्ट है वो क्या आएगा, आपका सेम आएगा, और ये आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना। फिर आएगा आपका आइसोकॉन कर्व और आईसी कर्व, एक बता देता हूं आपको, आइसोकॉन कर्व पढ़ते हैं किसके लिए, आइसोकॉन पढ़ते हैं हम अपने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए, और जो इंडिफरेंस कर्व वो पढ़ते हैं किसके लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, तो बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यहां पर हम ये बोलते हैं आइसोकॉन कर्व ने ये शो किया, दो अलग अलग इनपुट का कॉम्बिनेशन शो कर दिया, और दोनों और हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो आपका आउटपुट है वो क्या आएगा, आपका सेम आएगा, ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या बोलते हैं, देखो एक बार, कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अगर आपको चेक करना हो तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे जिसको बोलते हैं उस कंडीशन, उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा उसको बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब मैं एक बता दूं आपको, ये देखो, ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन जो है वो ये है कि द आउटपुट डिराइव फ्रॉम द गिवन लेवल ऑफ इनपुट जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम, और जो कॉस्ट जो आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम। अब दो कंडीशन कौन कौन सा, पहली कंडीशन ये है कि आपका जो आइसोकॉस्ट लाइन है ना वो क्या होगा, टेंजेंट होगा किसके, आइसोकॉन्ट कर्व के, ठीक है ना। तो आइसोकॉस्ट लाइन जो है वो क्या करेगी, वो टेंजेंट होगी आइसोकॉन्ट कर्व के, तो आइसोकॉन्ट कर्व को एक पॉइंट पर टच करके जाएगी, ठीक है, और उस पॉइंट के ऊपर जो है आपका आइसोकॉन्ट कर्व जो है वो क्या होगा, ओरिजिन से क्या होगा, कन्वेक्स होगा, ठीक है ना। तो जहां पे दोनों कंडीशन आपकी क्या है, सेटिस्फाई है, तो वहां पे जो प्रोड्यूसर है वो कहां होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो पहली कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ आइसोकॉन कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट कर्व, और दूसरा एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आइसोकॉन कर्व जो है वो क्या है, कन्वेक्स है, या एमआरटीएस जो है वो क्या है, डिमिनिशिंग है। ये इसकी जो है वो कंडीशन है, मतलब ये इसकी इक्वेशन है, ये याद करके जाना, एमआरटीएस इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन में डेल्टा एल इनटू इक्वल टू एमपीएल मार्जिनल प्रोडक्शन एल अपॉन एमपीके इज इक्वल टू प्राइस एल अपॉन में प्राइस के। तो ये आप थोड़ा सा जो है वो पढ़ के जाना, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये है स्लोप ऑफ आइसोकॉन, ये जो है ये है स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन, और ये आपका है क्या, प्राइस ऑफ लेबर अपॉन में प्राइस ऑफ कैपिटल। कर लोगे, बोलो जी सर। तो ये दो कंडीशन है आपका किसका, आपके आइसोकॉन्ट का, और इन दो सॉरी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का, जहां पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है वहां पे प्रोड्यूसर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये बता रखा है आपको, ये आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया। इसके बाद एक्सपेंशन पाथ, ये आपको मैंने बता दिया, जो ये लोकस बनता है ना, ये आपका रिज लाइन से, और ये हर आइसोकॉन्ट कर्व के वो पॉइंट जहां पे प्रोडक्शन करना हमारे लिए सबसे इकोनॉमिकल रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपेंशन पाथ, ये लोकस है। अच्छा, कोवेन डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आपको ये अप्रोच याद होनी चाहिए। अब यहां पे हम क्या पढ़ते हैं, ये देखो,
ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन फंक्शन। यहां से क्वेश्चन था सिंपल है बिल्कुल ही, बच्चे छोड़ के जाते हैं लेकिन आप करके जाना। ये क्या है, ये बोलता है क्वांटिटी ऑफ या फिर आउटपुट जो है ना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एल मतलब क्वांटिटी ऑफ लेबर पे एंड सी क्वांटिटी ऑफ कैपिटल पे, एंड ए और बी जो है पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है। अगर ए और बी इज ग्रेटर देन वन है, जैसे वो बोलेगा 0.9 और 0.03 मान लो ऐसा, तो अगर आप इसको जोड़ते हो तो क्या बनेगा 0.93 बनेगा, वो लेस देन वन है, तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है ना। तो ये कंडीशन को आपको याद करना पड़ेगा, अगर a प्लस बी इज ग्रेटर देन वन है तो ये बनेगा आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, a प्लस बी इक्वल टू वन है तो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, और a प्लस बी लेस देन वन है तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है ना जी सर। ये हो गया जी आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इसको आप कर लीजिएगा। ओके ये नॉर्मल है बट ठीक है। अब आता है अपना अगला चैप्टर जिसका नाम जो है वो है क्या, कोस्ट कर्व। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, कोस्ट के बारे में। अगर कोस्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कोस्ट में वाला टाइप ऑफ कोस्ट, सबसे पहले आएगा मनी कोस्ट। मनी कोस्ट का मतलब बेसिकली प्रोडक्शन करने के लिए जो भी आपका कॉमोडिटी मतलब किसी भी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी आप पैसा खर्च करते हो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, मनी कोस्ट। रियल कोस्ट क्या होता है कि प्रोडक्शन करने के लिए जो फिजिकल या मेंटल एफर्ट्स जो आपने लगाए उसको बोलते हैं बेसिकली क्या, रियल कोस्ट। मतलब जो भी सेक्रीफाइस आपने किया उसको बोलते हैं क्या, रियल कोस्ट। अकाउंटिंग कोस्ट का मतलब जो है वो क्या होता है कि जो भी आपके फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट के ऊपर जो भी खर्चा है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग या फिर बिजनेस कोस्ट। फिर अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होता है, जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव होती है तो उसकी जो कोस्ट है उसको बोलते हैं क्या, अपॉर्चुनिटी। फिर आएगा इकोनॉमिक कोस्ट, इकोनॉमिक कोस्ट के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करते हैं, दोनों कोस्ट को अकाउंटिंग और अपॉर्चुनिटी दोनों कोस्ट को इंक्लूड करते हैं। सोशल कोस्ट का मतलब ये हो गया आपके प्रोडक्शन करने पर जो है वो सोसाइटी को जो कोस्ट बियर करनी पड़ती है उसको बोलते हैं सोशल। प्राइवेट कोस्ट का मतलब क्या, एक इंडिविजुअल फर्म की जो कोस्ट होती है कोई कमोडिटी को प्रोड्यूस करने पर उसको बोलते हैं प्राइवेट। एक्सप्लिसिट बाहर के लोगों को जो पेमेंट करनी होती है एक्सप्लिसिट। इंप्लिसिट खुद के जो फैक्टर्स है उनकी जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इंप्लिसिट। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो इनकर्ड की जाती है बाय द फर्म के द्वारा ऑन द लेबर एम्प्लॉयड, ऑन द रॉ मटेरियल यूज, ऑन प्लांट मशीनरी फ्यूल ट्रांसपोर्ट, इसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। बिजनेस कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है फर्म के उसको पूरा करने के लिए जो आपकी कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, बिजनेस कॉस्ट। फुल कॉस्ट के अंदर बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन, इंप्लिसिट कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट, इन सबको आप क्या करते हो, इंक्लूड करते हो। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ द यूनिट ऑफ द गिवन प्रोडक्ट। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो बेसिकली क्या होती है, अदर कॉस्ट जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट और संक कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या, जो एडिड कॉस्ट होती है ऑफ ए चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल। और संक कॉस्ट का मतलब वो जिसका डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज इन द पास्ट एट देन, मतलब आपने पास में जिस एसेट को किसी एसेट को परचेस किया था प्रिवेलिंग प्राइस पे तो वो जो रेट होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, हिस्टोरिकल। रिप्लेसमेंट, अगर किसी एसेट को जो आपने पास में परचेस किया था उसको अगर आज के रेट में हम क्या करते हैं हटाएं तो उसकी जगह पे नई एसेट को लाने की जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। पास कॉस्ट जो हमने इंकर्ड कर दिया पास में, फ्यूचर कॉस्ट जो फ्यूचर के अंदर इंकर्ड होनी है। आउट ऑफ पॉकेट पॉकेट कॉस्ट क्या होती है, जो करंट कैश पेमेंट अगर आपको करनी है आउटसाइडर को, ठीक है, किसी खर्चे की, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट। बुक कॉस्ट जो है वो होती है, वी डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट बट फॉर उसके लिए, लेकिन उसके लिए हम लोग जो है वो करंट में कोई प्रोविजन मेंटेन करके चलते हैं। कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होती है, ये वो कॉस्ट है जो कंपनी विजिलेंस के जरिए जो है वो क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, रेगुलेट कर सकती है। अनकंट्रोलेबल जिसको आप सुपरविजन से जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अर्जेंट कॉस्ट जिसको आप जो है मतलब आपको इमीडिएटली जो है वो बियर करना पड़ेगा। पोस्टपोनेबल जिसको आप फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हो। शटडाउन कॉस्ट अगर आप किसी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को टेम्परेरी कह रहे हो स्टॉप करें तो स्टॉप करने पर जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं क्या, शटडाउन। अबंडनमेंट कॉस्ट का मतलब क्या, अगर आप किसी फिक्स एसेट को जो है वो क्या कर रहे हो ऑल टुगेदर उसको रिटायर कर रहे हो हटा रहे हो वहां से तो उसकी जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं अबंडनमेंट कॉस्ट। एस्केपेबल कॉस्ट कौन सी होती है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अनएस्केपेबल जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब आएगा जी आपका थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे दो तरह के हैं, एक है आपका ट्रेडिशनल थ्योरी, एक है मॉडर्न। ट्रेडिशनल थ्योरी ये बोलते हैं कि कॉस्ट कर्व जो है वो बनेगा यू शेप का। मॉडर्न थ्योरी ये बोलते हैं कॉस्ट कर्व बनेगा कैसा, एल शेप का। शॉर्ट रन के अंदर कॉस्ट जो है वो कैसी रहेगी आपकी, दो तरीके की, एक रहेगा आपका फिक्स कॉस्ट, एक रहेगा वेरिएबल। क्योंकि कॉस्ट जो है ना शॉर्ट रन पे डिपेंड करती है प्रोडक्शन शॉर्ट रन में क्या था। तो प्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था वहां पे हमने पढ़ा था कि वेरिएबल इनपुट जो है वो आपके दो तरह के होंगे, एक होगा फिक्स इनपुट, एक है वेरिएबल। उसी तरीके से फिक्स इनपुट की कॉस्ट को बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल इनपुट की कॉस्ट को बोलते हैं क्या, वेरिएबल। आप कॉस्ट फंक्शन जो है वो उसको पढ़ना पहले।
आ जाओ जी इधर, कोस इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन की अगर बात करते हैं तो शॉर्ट रन के अंदर कोस रहेगी आपके तीन तरीके की, एक रहेगा टोटल कोस, एक है एवरेज कोस और एक कौन सा मार्जिन। टोटल कोस में दो आपके फंक्शन रहेंगे, एक रहेगा टोटल फिक्स कोस, एक है टोटल वेरिएबल। एवरेज कोस भी उसी तरीके से क्या होगा, एवरेज फिक्स कोस, एवरेज वेरिएबल, और एक रहेगा मार्जिन, और मार्जिन कोस हमेशा जो है वो कैसे रहेगी आपका वेरिएबल कोस रहेगी। ठीक है जी, सबसे पहले नंबर पर आएगा टोटल कोस। टोटल कोस की बात करते हैं तो टोटल कोस होता है कॉस्ट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज नेसेसरी टू प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, उसको बोलते हैं टोटल कोस। ये कैसे बनता है, टोटल फिक्स कोस प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद में आएगा जी आपका टोटल कॉस्ट के दो आपके सप्लीमेंट है, एक है टोटल फिक्स और एक है टोटल वेरिएबल। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या होती है, जो फिक्स इनपुट की कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो चेंज नहीं होती विद द चेंज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये जो कॉस्ट है वो वेरी नहीं करती लेवल ऑफ आउटपुट में चेंज होने पर, प्रोडक्शन मैक्सिमम हो चाहे प्रोडक्शन जीरो हो, आप फर्म को जो है वो आपका फिक्स कॉस्ट तो उठानी पड़ती है। फिर आएगा जी अब ये बात ध्यान रखना कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा इन द ग्राफ एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा। ठीक है ना, इसके बाद आएगा जी आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो इनकर्ड होगी ऑन द यूज ऑफ द सिंगल वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को यूज करने पर जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सिंस द यूज ऑफ वेरिएबल इनपुट वेरी करता है इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, तो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या करती है, वेरी करती रहती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट इज वन विच वेरी एज अ लेवल ऑफ आउटपुट वेरी। अब वेरिएबल कॉस्ट को जो है वो किस नाम से, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या अवॉइडेबल कॉस्ट के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इन्वर्टेड एस शेप की जो है वो आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में आएगा जी आपका डिफरेंस क्या है फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट में, सिग्निफिकेंस क्या है उसका। तो सिग्निफिकेंस ये है कि देखिएगा अगर आपको मतलब क्यों पढ़ते हैं ये जो डिकोटमी है बिटवीन द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो बोलते हैं अगर आपको शॉर्ट रन के अंदर शटडाउन करना है मान लो काम को, तो वो डिपेंड इन्हीं चीज पे करता है। आप देखो अगर मान लो फर्म इतना पैसा कमा रही कि फर्म की वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, तो आपको काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप बंद भी कर दोगे तो शॉर्ट रन के अंदर आपको जो है वो फिक्स कॉस्ट का बर्डन तो आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ये है अगर आपको कंट्रोल करना है, ठीक है, अगर मान लो शॉर्ट पीरियड के अंदर फर्म का जो है वो फिक्स कॉस्ट पे कोई कंट्रोल नहीं लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पे कंट्रोल होता है, तो इन दोनों के लिए हम लोग जो है वो बेसिकली पढ़ते हैं किसको, डिफरेंस को। अब आएगा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट की बात करें तो ये तीन तरीके से, एक है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एक है एवरेज वेरिएबल, उन दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगा क्या, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज अ पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट को अगर डिवाइड कर दोगे आउटपुट से तो निकलेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, ये आपका ऐसा ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना, मतलब ये है कि लगातार जो है जैसे जैसे आप जो है वो क्या प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, तो ये कंटिन्यू डिक्लाइन होगा एज अ टोटल आउटपुट इंक्रीज, बट इट विल नेवर टच द ओएक्स एक्सिस, एज दैट वुड मीन कि जीरो एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, क्योंकि ये शो करता है एट ऑल द पॉइंट्स द सेम लेवल ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होगा, अगर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे आउटपुट से तो बनेगा आपका एवरेज वेरिएबल कोस, ये बनेगा आपका यू शेप का। और इसके बाद बात जो है वो आएगा एवरेज टोटल कोस, ये भी बनेगा यू शेप का, अगर आप टोटल कोस को डिवाइड कर दोगे किससे, आउटपुट से, या अगर एवरेज फिक्स कोस प्लस एवरेज वेरिएबल कोस दोनों को अगर आप जोड़ दो तो भी बनेगा क्या आपका एवरेज कोस, ये भी बनेगा कैसा यू शेप का। अब क्वेश्चन ये है कि आपका एसी कर्व जो है वो यू शेप का क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन, सबसे पहला इंटरेक्शन होता एएफसी और एबीसी, तो बोलता है कि शुरुआत के अंदर दोनों कम हो रहे होते हैं, एसी एवरेज वेरिएबल कोस और एवरेज फिक्स कोस दोनों कम हो रहे हैं तो आपका एवरेज कोस भी कम होगी, लेकिन एक लेवल के बाद में जो है वो क्या होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होगा ऊपर बढ़ेगा, उसके ऊपर बढ़ने का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होगा कि एएफसी जो लगातार नीचे डाउन जा रहा था वो उसको भी क्या करेगा बढ़ा के ले जाएगा। तो इसके ये इसका जो है वो क्या है इंटरेक्शन है एएफसी का और एबीसी का। और दूसरा जो है वो ये एप्लीकेबल था लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये भी हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे जो है वो क्या होगा शुरुआत के अंदर जो है प्रोडक्शन आपका बढ़ते रेट से बढ़ेगा, फिर कॉन्स्टेंट रेट से, और फिर क्या होगा डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। तो अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ते रेट से बढ़ रहा है तो आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या जाएगी डाउन जाएगी, फिर कॉन्स्टेंट रेट से तो कॉन्स्टेंट होगी थोड़ा सा, और फिर जब डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा तो आपकी एवरेज कॉस्ट वो क्या होगी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद एमसी मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होती है डेल्टा डीसी पॉइंट में डेल्टा क्यों, मतलब एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने पर टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनती है एमसी इसको डेल्टा डीसी पॉइंट डेल्टा क्यों, या फिर और ये डेल्टा डीसी के अंदर क्या डेल्टा एफसी प्लस में डेल्टा वीसी। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर कॉन्स्टेंट रहेगी तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर है डेल्टा वीसी अपॉन डेल्टा क्यू होगी। इस तरीके से भी आप इसको शो करते हैं और ये भी आपका कैसा रहेगा यू शेप का रहेगा। इसके बाद एमसी यू शेप का क्यों है तो ये बता रखा है आपको, ठीक है ना, कि इसके पीछे रीजन क्या है, तो एमसी जो बनती है इन दो से, एमसी इज रेफर टू अ चेंज इन टोटल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट कॉज बाय द प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट आउटपुट, इनिशियली व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा इंक्रीज होगा एट ए डिमिनिशिंग रेट, तो इसलिए वो क्या होगी डाउन जाएगी फिर बाद में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आएगा रिलेशनशिप बता रखा है एसी और एमसी के बीच में जो है वो क्या क्या, तो बोलता है जब एसी जो है वो क्या होता है गिरती है
एज रिजल्ट इन द इंक्रीज इन आउटपुट, तो एमसी जो है वो क्या होगा, लेस होता है एसी से. व्हेन एसी जो है वो बढ़ती है तो एमसी जो है वो मोर होता है एसी से. एंड व्हेन एसी जो है वो मिनिमम पे होती है तो एमसी जो है वो इक्वल होती है एसी के. इन अदर वर्ड्स एमसी कर्व जो है वो कट करता है एसी को एट ए मिनिमम पॉइंट. ये बात थोड़ी देख लेना. इसके बाद शॉर्ट टर्म के अंदर कोस कर्व हमने जो है वो ये सारे देख लिए. ये आपका एएफसी लगातार डाउन जा रहा है, ये आपका एसएससी है, ये आपका एबीसी और ये आपका एमसी है. तो ये देखना एक बार एएफसी का स्लोप जो है वो क्या रहेगा, डाउन होता है कंटिन्यू एज प्रोडक्शन इंक्रीज. तो जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो लगातार क्या होती रहेगी, डाउन होती रहेगी. एबीसी पहले जो है वो क्या होगा, डिक्लाइन होगा, रीच एट द मिनिमम पॉइंट ए एंड देन राइज आउटवर्ड. व्हेन एबीसी अटेन इट्स मिनिमम एट पॉइंट ए, एमसी जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा किसके, एबीसी के. इट मे बी नोटेड दैट द डिस्टेंस जो होगा ना बिटवीन द शॉर्ट पीरियड एवरेज कोर्स एंड द एवरेज वेरिएबल कोर्स बिकम नैरोवर एज मोर एंड मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस. दिस डिस्टेंस इज एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इज इक्वल टू द एबीसी. तो ये जो फर्क रहेगा ना ये किसके बराबर होगा, आपके एबीसी के. इसके बाद आएगा आपका एसएससी का मिनिमम पॉइंट होगा. ठीक है, एमसी आपको मैंने बता दिया बट ठीक है. तो ये बात ध्यान रखना, एमसी कर्व जो है वो पहले क्या होगा, डिक्लाइन होगा, अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा और फिर बाद में क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा. तो एमसी कर्व कट करेगा एबीसी कर्व को एंड एबीसी एसी कर्व को एट देयर मिनिमम पॉइंट. और एमसी कर्व जो है वो लाई करेगा बिटवीन किसके में, एबीसी और एसएससी के में, व्हेन दे आर डिक्लाइनिंग एंड इट लाई अबव देम व्हेन दे आर राइजिंग. इसके बाद आएगा लॉन्ग रन. लॉन्ग रन के अंदर ये जो डिकोटमी है बिटवीन द जो आपका फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. लॉन्ग रन में सारे फैक्टर आपके वेरिएबल है तो लॉन्ग रन के अंदर आपको कोस वेरिएबल कोस ही देखने को मिलेगा, मतलब फिक्स कोस कोई भी नहीं होगी. तो लॉन्ग रन के अंदर होगा, एक होगा लॉन्ग रन टोटल कोस, एक है लॉन्ग रन एवरेज कोस, एक है लॉन्ग रन मार्जिन. तो लॉन्ग रन टोटल कोस का मतलब क्या बोलता है, इन द शॉर्ट रन हम डिस्टिंग्विश करते थे तीन कोस को, टीसी और टीबीसी और आपका टीएफसी. सिंस ऑल द इनपुट आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन, तो यहां पे जो है वो क्या होगा, एक ही होगा, वो है लॉन्ग रन टोटल कोस. ठीक है, और लॉन्ग रन टोटल कोस है उसी को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम कोस ही बोलते हैं. ये बात ध्यान रखना, ये इस कोस के ऊपर जो प्रोडक्शन किया जाता है जनरली. ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा. बोलते हैं इन द लॉन्ग रन द फर्म कैन प्रोड्यूस ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट एट द मिनिमम कॉस्ट सिंस इट हैज सफिशिएंट टाइम. उसके बाद इतना टाइम होता है कि वो सिलेक्ट कर सकते कर ले ऑप्टिमम प्लांट साइज, वो सिलेक्ट कर ले लीस्ट कॉस्ट फैक्टर प्रोडक्शन. तो इसलिए वो जो है वो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर जो है वो क्या करती है, काम करती है. तो ये बात ध्यान रखना, जो लॉन्ग रन की टोटल कॉस्ट है ना, या तो वो बराबर होगा या फिर वो कम होगा किसे, शॉर्ट रन की टोटल कॉस्ट से. इसके बाद एलएसी, एलएसी जो है वो क्या होती है, लॉन्ग रन एवरेज कोस. तो अगर आप जो है वो क्या लॉन्ग रन की टोटल कोस से डिवाइड कर दोगे प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन यूनिट से, तो बन जाएगा लॉन्ग रन का एवरेज कोस. लॉन्ग रन एवरेज कोस कर जो है इसको एनवेलप कर भी दो नाम से पुकारते हैं, एक है एनवेलप कर, एक इसको प्लानिंग कर भी जो है वो बोला जाता है. तो लॉन्ग रन का एवरेज कोस रेफर टू द मिनिमम पॉसिबल पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन. जो क्या करेगा, अलग अलग प्रोडक्शन आउटपुट जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा लॉन्ग रन में. अलग अलग नाम क्या, एनवेलप, क्योंकि ये क्या करेगा, बहुत सारे अलग अलग शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट को क्या कर लेगा, ढक देगा. और दूसरा इसको प्लानिंग कर भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके बेस पर फर्म प्लान करती है कि किस लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर अपने को जो है वो क्या करना है, प्रोडक्शन करना है. अब एलएसी कर्व जो है वो यू शेप का क्यों है, तो एलएसी का यू शेप का क्योंकि बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड द डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स और डिसइकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स की वजह से कोस्ट आपकी शुरू में कम होगी और डिसइकोनॉमिक की वजह से कोस्ट है वो बाद में क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी. एलएसी कर्व जो है वो एसएससी कर्व के जैसा यू शेप का, बट इट रिलेटिवली फ्लैटर. लेकिन ये कैसा रहेगा, फ्लैटर. एट ए गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट एलएसी कर्व कैन नॉट बी मोर देन एसएससी. ये बात ध्यान रखना, एलएसी जो है वो कभी भी एसएससी से ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि लॉन्ग रन की जो भी कोस्ट होती है वो हमेशा शॉर्ट रन की है तो बराबर होगी या फिर उससे क्या होगी, कम होगी. इट इज बिकॉज एलएसी कर्व इज टेंजेंट टू द एसएससी कर्व, एलएसी कर्व नेवर कट द एसएससी कर्व. अब लॉन्ग रन की मार्जिनल कोस्ट है वो कैसा रहेगा, यू शेप है लेकिन ये फ्लैटर रहेगा. चेंज इन द टोटल कोस्ट इन द लॉन्ग रन ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ कमोडिटी, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग रन का मार्जिनल कोस्ट. तो मतलब ये है कि लॉन्ग रन की टोटल कोस्ट, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने पर जो लॉन्ग रन की टोटल कोस्ट में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कोस्ट. ये हो गया जी. ठीक है, अब आएगा ऐसा क्यों होता है, तो वो होता है इकोनॉमिक्स के कारण. अब इकोनॉमिक स्केल बेसिकली क्या होती है, इकोनॉमिक स्केल का मतलब होता है जैसे जैसे आप जो है वो क्या करोगे, आप प्रोडक्शन के पैमाने को जैसे जैसे आप बढ़ाना शुरू करोगे तो वैसे वैसे जो है वो आपकी आपको जो है वो इकोनॉमिक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा. और एक लेवल के बाद आपकी जो इकोनॉमिक्स है बचत जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, डिस इकोनॉमी में. अब इकोनॉमी जो है वो कौन कौन सी है, दो तरह की, एक है इंटरनल जो फॉर्म स्पेसिफिक है और एक है एक्सटर्नल जो सभी को मिलती है. तो इंटरनल इकोनॉमिक्स कौन कौन सी है, सबसे पहला इंटरनल इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा लेबर. आपके पास अच्छी लेबर है स्पेशलाइजेशन वाली तो उसका फायदा आप ही को मिलेगा. टेक्निकल, अगर आपका टेक्निक अच्छी है, अगर आपके पास इन्वेंटरी ज्यादा स्टॉक मेंटेन करके चलते हो, अगर मार्केटिंग इकोनॉमिक्स आपके पास में है, या मैनेजर आपके बढ़िया बढ़िया है, या ट्रांसपोर्ट स्टोरेज फ्लीट्स आपने खुद ने अपने पास होल्ड करके रख रखी है, या आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, अगर डाइवर्सिफिकेशन आपने किया है, तो इस सबका फायदा सिर्फ आप ही को मिलेगा.
और पेक्यूनरी होती है क्या? पेक्यूनरी इकोनॉमिक्स वो होती है जो अगर मान लीजिए प्राइसेस जो है वो स्टॉक की क्या कम है, अगर बल्क में अगर प्रोडक्शन करोगे तो पर यूनिट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कम। तो जब बल्क में प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए अपने को बाइंग भी बल्क करना पड़ेगा। तो जब हम बल्क में जो है मटेरियल को जो परचेस करते हैं तो अपने जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पेक्यूनरी इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली जो प्राइस रिलेटेड इकोनॉमिक्स होती है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो एक इंडस्ट्री के अंदर जितने भी फर्म है उन सबको अगर मिलती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। एक है इकोनॉमिक्स ऑफ कंसंट्रेशन, एक है इकोनॉमिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब सारी फर्म एक ही जगह पे सिचुएटेड हो जाएगी तो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन की कुछ प्रोडक्ट पहले हम सब सारा काम हम ही करते थे जिसमें हमको फायदा जिसमें अपने को नुकसान हो, लेकिन अब क्या होगा जब सारी फर्म एक जगह पे आ जाएंगी तो फिर क्या होगा उससे कि हम उस काम को करेंगे जिसके अंदर अपने को एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स कई बार कन्वर्ट हो जाएंगे डिसइकोनॉमिक्स में। अब वो कौन कौन से, डिसइकोनॉमिक्स में भी दो तरह के, एक है इंटरनल, ये वो नुकसान है जो एक फर्म को मिलेगा, और एक्सटर्नल ये वो जो सभी फर्म को होता है। इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स के अंदर आएगा बेसिकली जब आप मैनेजमेंट का स्कोप, मतलब जब लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करोगे तो मैनेज करना जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो आपको नुकसान होगा उसको बोलते हैं इंटरनल डिसइकोनॉमी। और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी बेसिकली ये बोलती है कि जब लार्ज लेवल प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, एक ही जगह पे जब सारी कंपनी सिचुएटेड हो जाएंगी तो वहां पे भीड़ हो जाएगी, तो उसके कारण से जो नुकसान होगा ट्रांसपोर्टेशन लैग हो जाएगा, तो वो जो नुकसान है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्सटर्नल। और वो भीड़ जो है वो सबको परेशान करेगी, तो इसलिए बोलते हैं उसको क्या, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। ओके जी सर, लो जी ये हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। अगर बात करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू का, तो पहली बात तो ये कि रेवेन्यू क्या है। तो रेवेन्यू का मतलब बेसिकली अगर हम बात करते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं कि एक फर्म के द्वारा अपने प्रोडक्शन जो भी उसने किया उसको बेचकर जो भी उसको पैसा रिसीव होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। बहुत सारे लोग बोलते हैं रेवेन्यू इक्वल टू प्रॉफिट, ऐसा नहीं है, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस होगा तो वो जो शेष बचेगा उसको बोलते हैं आप लोग क्या, प्रॉफिट। ओके, अब रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट तीन तरीके का, एक है टीआर, एक एमआर, एक एआर। टीआर क्या है, एक फर्म के द्वारा अपने सारी क्वांटिटी को बेच के जो भी टोटल पैसा रिसीव हुआ उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। इसके बाद में एमआर क्या, फर्म के द्वारा एक एडिशनल यूनिट को सेल करने पर टोटल रेवेन्यू के अंदर जो चेंज आएगा उसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, इसको डिनोट कर डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। और फिर आएगा क्या, एआर। एआर क्या, एक यूनिट को सेल करने पर जो आपको रेवेन्यू मिलता है, प्रति इकाई रेवेन्यू जो मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। एआर कोई जो है वो हम किससे नोट करते हैं, प्राइस से, और जो एआर कर्व है उसको डिमांड कर्व भी बोला जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद इसका रिलेशन तो रखे, बोला टीआर का फॉर्मूला क्या, एआर इंटू क्यू या फिर सिग्मा एमआर। एआर का फॉर्मूला क्या, टीआर अपॉन में क्वांटिटी, एमआर का डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। बोलते जब टीआर इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से तो एमआर आपका इंक्रीज होगा, जब टीआर इंक्रीज होगा कॉन्स्टेंट रेट से तो एमआर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, जब टीआर इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से तो एमआर क्या होगा, डिमिनिश होगा। जब जहां टीआर मैक्सिमम होता है ना वहां पे एमआर क्या रहेगा, जीरो। जहां टीआर, जब टीआर गिरने लग जाएगा तो एमआर आपका नेगेटिव हो जाएगा। जब एआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो एमआर कर्व जो है वो क्या होगा, एआर कर्व के नीचे होगा। और इन केस ऑफ इफ अगर एआर एमआर और बराबर है, मतलब जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, वहां पे एमआर और एआर का दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और एआर जो है वो जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन एमआर जो है वो पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव तीनों हो सकता है, ध्यान रखना। जब एआर जीरो है तो टीआर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कंडीशन आपको जो है वो बता रखी है। तो जहां पे एमआर जीरो होता है ना, ये देखो वहां पे टीआर जो वो क्या है, मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर है। अब आएगा टीआर एआर एमआर रिलेशन क्या, बोलता है बोथ एआर और एमआर कैलकुलेट होते हैं किससे, टीआर से, क्योंकि एआर का फॉर्मूला टीआर अपॉन क्वांटिटी और एमआर का फॉर्मूला डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। बोलता है अगर एआर और एमआर कर्व जो है वो क्या है, पैरेलल है ओएक्स एक्सिस के, इसका मतलब बोथ जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है, जहां पे एआर एमआर बराबर हो जाए, तो ये बेसिकली यहां देखने को मिलेगा इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है ना। और जो आपका टीआर रहेगा वो आपका 45 डिग्री के ऊपर होगा जनरली। इसके बाद अगर दोनों एआर और एमआर का जो स्ट्रेट लाइन है तो यहां पे क्या है, हेयर एआर एंड एमआर का शोन है स्ट्रेट लाइन, इन दिस सिचुएशन एमआर कर जो है वो क्या है, मिडवे बिटवीन द एआर एंड द एमआर, ठीक है। और इसको ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा कहां पे, जहां पे एआर और एमआर दोनों अलग अलग है, ये देखने को मिलेगा दो मार्केट में, एक कहां पे मोनोपोली और एक कहां पे मोनोपोलिस्टिक। अगर दोनों कर जो है वो क्या है, एक दूसरे के कन्वेक्स है, तो फिर ये क्या है, एआर एंड एमआर का शोन एज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एमआर का शुड बी नियर टू द ओवर एक्सिस देन द एवरेज रेवेन्यू कर्व। और अगर ये कनकेव हो जाए तो फिर क्या होगा, ए आर एंड एमआर कर्व अगर कनकेव है पॉइंट ऑफ ओरिजिन के, तो इन इस केस में एमआर कर्व विल इंटरसेक्ट करेगा एनी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन ए आर कर्व टू द ओवाई एक्सिस, तो ओवाई एक्सिस के ऊपर ये इसको क्या कर देगा, कट कर देगा। अब रिलेशन बता रखा है एआर में और एआर एमआर और इलास्टिक डिमांड में, तो ये बात ध्यान रखना, ये तीन रिलेशन बनेंगे। अगर मान लो आपका एमआर पॉजिटिव है, एमआर क्या है, पॉजिटिव, तो आपका ईडी जो है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन वन। जहां पे एमआर आपका जीरो होगा वहां पे ईडी इक्वल टू वन, और जहां पे एमआर जो है वो क्या नेगेटिव हो जाएगा वहां पे ईडी जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन वन। तो ये तीन है, देख लेना एक बार, प्रैक्टिकल आपको मैंने करवा दिया था, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आएगा कंपेरेटिव स्टडी, अलग अलग मार्केट के अंदर जो है वो रेवेन्यू कर्व कैसा कैसा मिलेगा। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर आपको रेवेन्यू कर्व जनरली देखने को मिलेगा क्या,
हॉरिजॉन्टल टू द ओ एक्स एक्सिस, यहाँ पे ए आर और एम आर का दोनों क्या होंगे, बराबर होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। इसके बाद है मोनोपोली के अंदर आपको जो कर्व देखने को मिलेगा ए आर और एम आर का, वो कैसा मिलेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और ये लेस इलास्टिक होगा, ठीक है। मतलब ये है क्योंकि प्राइसिस के चेंज होने पर जो है वो डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आता है इनकेस ऑफ मोनोपोली, क्योंकि उसकी क्योंकि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, अगर मान लो मोनोपोली के पास इतना पावर है कि वो प्राइस को बढ़ा ले तो भी वो इतना रेवेन्यू कमा लेता है कि पुराने वाले के बराबर हो जाए, तो उसको वहां पे जो आपका कर्व बनेगा उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये प्योर मोनोपोली की कंडीशन होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो प्योर मोनोपोली के अंदर प्रोड्यूसर इतना पावरफुल होता है कि वो सेल करेगा अपने आउटपुट डिफरेंट लेवल पे, ही कैन ऑब्टेन द एंटायर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। इसके बाद आएगा जी आपका रेवेन्यू अंदर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट के अंदर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर आपका जो रेवेन्यू कर एआर और एमआर का जो देखने को मिलेगा वो कैसा रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये जो है वो थोड़ा फ्लैटर देखने को मिलेगा, मतलब मोर इलास्टिक देखने को मिलेगा। और ओलिगोपोली के अंदर आपका जो रेवेन्यू कर्व है वो कैसा रहेगा, आपका किंकी नेचर का रहेगा, ठीक है। मतलब एआर कर्व किंकी नेचर का और जो एमआर कर्व बीच में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एआर कर्व का किंकी नेचर होने का मतलब ये है कि इसमें दोनों कर्व आपको देखने को मिलेंगे, लेस इलास्टिक भी मोर इलास्टिक भी। तो अगर मान लो आप जो है वो प्राइसिस को क्या कर दोगे, कम करते हो, ठीक, प्राइस को कम करोगे तो आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगा, और अगर आप प्राइस को बढ़ाओगे तो आपके जो और कॉम्पिटिटर है वो प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, तो वहां पे आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगा, मतलब मोर इलास्टिक। तो अगर ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्म जो है वो प्राइस को क्या करते हैं, बढ़ाती है, तो फिर मोर इलास्टिक डिमांड का देखने को मिलेगा, और अगर ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्म प्राइस को जो है वो क्या करते हैं, कम करते हैं, बाकी भी कम कर देंगे, तो वहां पे आपको लेस इलास्टिक डिमांड का जो है वो देखने को मिलेगा। इसलिए यहां पे जो है वो एक बीच में किंक आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो क्या रहेगा, मोर इलास्टिक, नीचे वाला रहेगा क्या, लेस इलास्टिक। तो ये आपको देखने को मिलेगा इनकेस ऑफ द मोनोपोली, ओके, ओलिगोपोली, सॉरी, ओके जी सर। तो ये थोड़ा देख लेना कॉन्सेप्ट क्या सिग्निफिकेंस है, कॉन्सेप्ट रेवेन्यू क्यों पड़ता है। तो सबसे पहला चेंज इन प्राइस, इसकी मदद से हम लोग जो है प्राइस एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर आपको चेक करनी है, वो डिपेंड किस पे करती है, एमआर और एमसी के ऊपर, जो अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसलिए रेवेन्यू पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अगर कंप्यूट करना तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर एआर ग्रेटर देन एसी है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, एआर इक्वल टू एसी है तो नॉर्मल प्रॉफिट है, और एआर इज लेस देन एसी है तो क्या होगा, फॉर्म जो है वो सफर करेगी किसको, लॉस को। तो बेसिकली अगर आपको ये देखना है कि फॉर्म जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो ये चेक करते हैं, ठीक है जी सर। लो जी हो गया, अब बचा अपना आखिरी चैप्टर जिसका नाम जो है वो है आपका मार्केट स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा मार्केट। तो मार्केट क्या है, मार्केट बेसिकली एक ऐसा प्लेस जहां पे बायर और सेलर जो है वो क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और प्राइस के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केट। लेकिन जनरली आजकल मार्केट जो है वो आपका मार्केट स्पेस और मार्केट प्लेस दोनों चीजें हैं, मतलब ये फिजिकल मार्केट भी है और आपका ऑनलाइन वर्चुअल मार्केट भी है। तो यहाँ पे मार्केट जो है उसका कोई लेना देना एक ज्योग्राफिकल एरिया से नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, मार्केट डज नॉट रेफर टू एनी ज्योग्राफिकल एरिया, ओके। अब फीचर क्या क्या है, सबसे पहले ये बता रखे मार्केट का फीचर एरिया। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो मार्केट का मतलब जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहां पे बायर सेलर मिले, बल्कि इसका मतलब है एंटायर एरिया जहां पे बायर सेलर जो है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं और प्राइस के ऊपर नेगोशिएशन करते हैं। दूसरे नंबर पर आएगा बायर एंड सेलर, एक मिनट रुकना, दूसरे नंबर पे आएगा क्या, बायर एंड सेलर, बोला बोथ द बायर और सेलर जो है वो आपस में मार्केट में बायर और सेलर देखने को मिलेगा, एक कॉमोडिटी होगा, फ्री मार्केट भी आपको देखने को मिलेगा। टाइप ऑफ मार्केट के अंदर बेसिकली होगा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट और कौन सा, मोनोपोली। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लेकिन सारे जो है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील करते हैं। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो है वो क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डिओपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लेकिन सभी जो सेलर्स हैं उनका सामान जो है एक दूसरे से क्या रहेगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। ओलिगोपोली के अंदर फ्यू सेलर होते हैं लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली आपको जो है वो इंडिपेंडेंट फर्म्स होती है कुछ, और लेकिन यहाँ पे आपको उनमें क्लोज कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। और डिओपोली की इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट सेलर होते हैं लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर है। मोनोपोली जिसके अंदर सिंगल सेलर है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोनोपोली। अब इसके अंदर बेसिकली अलग अलग जो है वो आपको डिफरेंस दे रखे हैं, मार्केट का बेसिक थ्योरेटिकल है, रीडिंग कर लीजिएगा एक बार। हम आते हैं जी, हम आगे कॉन्सेप्ट पे, यहां से इंपॉर्टेंट है जो वो है प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर देयर आर मेनी, देयर आर लार्ज फर्म्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। सबसे मेन बात जो थी वो क्या थी, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, मतलब सभी लोगों का सामान एक दूसरे से क्या मैच करता है, विद नो फर्म लार्ज एनफ रिलेटिव टू एंटायर मार्केट टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। और कोई भी फर्म इतनी लार्ज नहीं है कि वो मार्केट प्राइस को जो है वो क्या कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए। क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर,
ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म जो वो क्या प्राइस टेकर है राधन प्राइस मेकर। दूसरा होमोजेनियस प्रोडक्ट है, सभी का सामान एक दूसरे से मेल खाता हुआ है इसलिए सेलिंग को उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, आना जाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्री एंट्री एग्जिट है, परफेक्ट नॉलेज है, बायर को जो है वो अवेयर है ऑल द प्राइस के। परफेक्ट मोबिलिटी मतलब ये है कि जितने भी रिसोर्स है वो परफेक्टली मोबाइल है, आप एक दूसरी जगह पे आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट जो है वो क्या है एब्सेंट है, एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका मेन एम है और गवर्नमेंट को कोई भी रेगुलेशन नहीं है। आप जो भी परफेक्ट कंपटीशन वाली जो भी कंडीशन, अगर उनमें से दो कंडीशंस को हटा दे परफेक्ट मोबिलिटी और परफेक्ट नॉलेज को, तो जो नया मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं प्योर कंपटीशन। ये प्रोफेसर चैम्बरलिन ने जो है उनको क्या किया प्रोपाउंड किया था। तो एक बार ध्यान रखना, दो को अगर हटा दे कौन कौन सा परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट मोबिलिटी, तो क्या बनेगा प्योर कंपटीशन। अब इंपोर्टेंस क्या टाइम एलिमेंट का, तो टाइम एलिमेंट का इंपोर्टेंस ये है वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर आपको जो प्राइस देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। शॉर्ट पीरियड में जो प्राइस देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं सब नॉर्मल प्राइस। लॉन्ग पीरियड में जो प्राइस देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या नॉर्मल प्राइस। और वेरी लॉन्ग पीरियड में जो प्राइस होता है उसको बोलते हैं सेकुलर प्राइस। अब टाइम एलिमेंट जो है ये दिया था किसने, प्रोफेसर मार्शल ने। इन्होंने क्या बोला, वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर आपकी सप्लाई जो है लिमिटेड होती है एग्जिस्टिंग स्टॉक तक, शॉर्ट पीरियड में आपकी सप्लाई जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी तक, लॉन्ग पीरियड के अंदर आपकी आप अपनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो एज पर डिमांड, और वेरी लॉन्ग पीरियड के अंदर जो है वो क्या होगा बेसिक चेंज होता है इकोनॉमी उसके हिसाब से जो है वो क्या होते हैं आप अपनी डिमांड मतलब आप अपनी सप्लाई को जो है वो आप अपनी सप्लाई को जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, वेरी लॉन्ग पीरियड में जो प्राइस होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या सेकुलर प्राइस। ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड में जो प्राइस होगा मार्केट प्राइस। ड्यूरेबल गुड्स के अंदर जो है ये बात ध्यान रखना कि मिनिमम रिजर्व प्राइस जो है वो गवर्नमेंट कई बार क्या करती है फिक्स कर देती है। ठीक है, अब प्राइस इंफॉर्मेशन शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के अंदर जो प्राइस देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं सब नॉर्मल, और लॉन्ग पीरियड में जो प्राइस होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या नॉर्मल। अब फर्म का मतलब जो है वो क्या, फर्म एक यूनिट है जो एंगेज है किसके अंदर प्रोडक्शन में फॉर द सेल एट ए प्रॉफिट एंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। फर्म इक्विलिब्रियम क्या होता है, फर्म एक इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जहां पे फर्म सेटिस्फाई है विद द एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ द आउटपुट। फर्म जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है फर्म उससे जो है वो हाईली क्या है सेटिस्फाइड है, उसको बोलते हैं फर्म इक्विलिब्रियम। फर्म उसके अंदर अपने आउटपुट में कोई भी चेंज करना नहीं चाहते। ए फर्म इज इन इक्विलिब्रियम हैज नो टेंडेंसी ईदर टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स आउटपुट। द फर्म विल बी इन इट्स सिचुएशन व्हेन ईदर इट विल बी अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट और इंक्रीजिंग द मिनिमम लॉस। ठीक है, ए फर्म विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो एडवांटेज टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द आउटपुट। तो वहां पे फर्म जो वो कहां होती है इक्विलिब्रियम में। कंडीशन क्या है, कंडीशन दो है, दो अप्रोच होती है एमआरएमसी अप्रोच टीआरडीसी। तो दो कंडीशन है एमआरएमसी की, दो कंडीशन टीआरडीसी। एमआरएमसी कंडीशन क्या, टीआरडीसी कंडीशन क्या कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे होगा जहां टीआर माइनस टीसी का क्या सबसे ज्यादा होगा, और दूसरी कंडीशन जो है वो क्या मिनिमम लॉस किस चीज का होगा फिक्स कॉस्ट का। एमआरएमसी की दो कंडीशन है, एक है एमसी इक्वल टू एमआर ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, और सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है एमसी का कट करेगा फ्रॉम बिलो। ठीक है, अब आएगा ये बात ध्यान रखना, ये सारी कंडीशन जो है वो परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली मोनोपोली तीनों के ऊपर जो है यही सेम रूल जो है वो क्या है एप्लीकेबल है, लेकिन ओलिगोपोली के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। अब दो अप्रोच है, एक है टीआरडीसी अप्रोच, देखिए कौन सा एमआरएमसी, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। आ जाओ शॉर्ट टर्म के अंदर इक्विलिब्रियम करेंगे तो टीआरडीसी अप्रोच जो है वो क्या बोलती है, एज पर द टीआरडीसी अप्रोच दो वो होंगे, या तो होगा मैक्सिमम प्रॉफिट या होगा मिनिमम लॉस। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कहां पे होगा, जहां पे ये जो गैप है बिटवीन द टीआर और टीसी वो क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। व्हेन द फर्म प्रोड्यूस लेस देन द ओएम यूनिट ऑफ आउटपुट इट इनकर द लॉस। व्हेन फर्म प्रोड्यूस करती है ओएम वन तो वो इनकर करेगी नीदर एनी लॉस नोर एनी नोर डज इट मेक एनी प्रॉफिट, जहां पे टीआर इक्वल होगा किसके टीआर इक्वल टू टीसी। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, ये ब्रेक डाउन पॉइंट जो है ब्रेक इन पॉइंट बोलते हैं, मतलब यहाँ पे ना तो प्रॉफिट और ना ही लॉस है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और मिनिमम लॉस किस चीज का होगा, फिक्स कॉस्ट का होगा, ये बात थोड़ा देख लेना कि फर्म जो मिनिमम लॉस उठाती है किसका, फिक्स कॉस्ट का। अब आएगा एमआरएमसी, एमआरएमसी की दो कंडीशन है, पहली कंडीशन जो है वो ये कि एमआर इज ग्रेटर देन एमसी है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि एमसी कर जो है वो कट करेगा एमआर को फ्रॉम बिलो। ठीक है ना, अब एक बार यहां पे ये तीन सिचुएशन अराइज होती हैं, अगर एमआर इज ग्रेटर देन एमसी है और एमसी लगातार क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो फर्म को क्या करना चाहिए, फर्म को जो है अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, जब तक एमआर ग्रेटर देन एमसी है, क्योंकि हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो आपका रेवेन्यू है वो ज्यादा है एडिशनल कॉस्ट से। ठीक है, अगर एमआर जो है वो स्मॉलर देन एमसी है तो आपको प्रोडक्शन रोक देना चाहिए, क्योंकि जितना आप फालतू जितना कमा रहे उससे ज्यादा की कोस्ट आ रही है। और जहां पे एमआर इक्वल टू एमसी है तो क्या होगा, तो फर्म हैज रीच द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे एमआर इक्वल टू क्या होगा एमसी होगा। ठीक है, तो एमआर एमसी अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन दो है, पहला एमसी इक्वल टू एमआर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन नेसेसरी कंडीशन, और दूसरी एमसी कर्व कट करेगा एमआर कर्व को फ्रॉम बिलो। ये देख लीजिएगा, ये आपका बनता है, तो यहां पे जो है वो क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम, यहां पे एक तो एमसी और एमआर दोनों बराबर है, और दूसरा एमसी कर्व जो है वो कट कर रहा है एमआर को बिलो से। आप शॉर्ट टर्म में फर्म का इक्विलिब्रियम अगर हम सेट करते हैं तो उसके लिए क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहां पे होगा, जहां एआर इक्वल टू एआर इज ग्रेटर देन एसी। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कहां पे होगा, जहां एआर इक्वल टू एसी होगा।
सॉरी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वहां होगा जहां एआर इज ग्रेटर देन एसी होगा, ठीक है ना, क्योंकि एआर इक्वल टू एसी है तो नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि वहां पे कोर्स के अंदर आप जो है वो नॉर्मल कोर्स जो कोर्स आप लेके चलते हो उसके अंदर बेसिकली आप लोग जो है वो दोनों कोर्स को कवर करते हो, इंटरनल कोर्स को भी एक्सटर्नल को भी, ठीक है ना, और जो इंटरनल कोर्स जो बेसिकली आप कवर कर रहे हो, ठीक है ना, वो बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अगर फर्म जो है वो इतना रेवेन्यू कमा रही है कि कोर्स कवर हो रही है, ठीक है ना, तो भी फर्म जो है वो किसके अंदर, इक्विलिब्रियम में है। तो टीआरटीसी अप्रोच के अंदर बेसिकली जो है वो हम वेरिएबल जो लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं एआर और एमआर, ठीक है ना, एआर और एसी लेके चलते हैं, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहां पे होगा, जहां एआर इज ग्रेटर देन एसी है, जहां एआर इक्वल टू एसी है वहां पे नॉर्मल प्रॉफिट है, और मिनिमम लॉस कहां होगा, जहां एआर इज इक्वल टू एबीसी है, तो मिनिमम लॉस किस चीज का होगा, फिक्स कॉस्ट का। शटडाउन पॉइंट क्या होगा, शटडाउन पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पे फर्म इतना रेवेन्यू अर्न कर रही है कि फर्म ओनली वेरिएबल कॉस्ट को कवर करे, तो फर्म वहां पे डिसाइड करती है कि हम काम करें या फिर काम को क्या कर दें, बंद कर दें। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर बता दिया टीआरटीसी अप्रोच में दो कंडीशन, पहला क्या, पहला ये कि मैक्सिमम प्रॉफिट का होगा जब टीआर माइनस टीसी इनका गैप सबसे ज्यादा, और मिनिमम लॉस किस चीज का होगा, फिक्स आपको वेरिएबल कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट का होगा, ठीक है। एमआर एमसी अप्रोच में कंडीशन एमसी इक्वल टू एमआर, और एमसी का कट करेगा एमआर को फ्रॉम बिलो। अब ये बात ध्यान रखना कि एमआर एमसी के बेस पर अगर आपको ये देखना हो कि प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना है या फिर डिसकंटिन्यू करें, तो उसके लिए क्या है, अगर एमआर इज ग्रेटर देन एमसी है तो प्रोडक्शन कंटिन्यू कीजिए, एमआर लेस देन एमसी है प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू, और एमआर इक्वल टू एमसी है तो आप क्या इक्विलिब्रियम के अंदर है। इसके बाद ये आगे डिटरमिनेशन ऑफ द शॉर्टर इक्विलिब्रियम, दो अप्रोच है टीआरटीसी एमआरएमसी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है एज पर टीआरटीसी, टीआरटीसी अप्रोच के अंदर तो आपके वेरिएबल क्या टीआरटीसी, एमआरएमसी अप्रोच में आपके वेरिएबल क्या एआर और एसी। तो टीआरटीसी अप्रोच के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का होगा जब टीआर इज ग्रेटर देन टीसी होगा, नॉर्मल प्रॉफिट जब टीआर इज इक्वल टू टीसी, और लॉस क्या होगा जब टीआर इज लेस देन टीसी होगा। वहीं एमआरएमसी अप्रोच में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहां पे होगा, जब एआर इज ग्रेटर देन एसी होगा, नॉर्मल प्रॉफिट जब एआर इक्वल टू एसी, और लॉस का एआर इज लेस देन एसी। बहुत बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं जब टीआर इक्वल टू टीसी तो वो बोलते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट, ऐसा नहीं होता। टीआर इक्वल टीसी, इस टीसी के अंदर जो है वो आपकी दोनों तरह की कॉस्ट है, इसके अंदर जो है आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट तो है ही, और इसके अंदर आपकी इंटरनल कॉस्ट भी है, और इंटरनल कॉस्ट को ही हम लोग जो है नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। शटडाउन पॉइंट का कहां होगा, टीआरटीसी अप्रोच में जहां पर टीआर इक्वल हो टीवीसी के, और एमआरएमसी अप्रोच में शटडाउन पॉइंट का होगा जहां एआर इक्वल हो किसके, एवीसी के। फर्म को प्रोडक्शन करना चाहिए टीआरटीसी अप्रोच में, अगर टीआर इज ग्रेटर देन टीसी है तो फर्म को प्रोडक्शन करना चाहिए, या अगर टीआर इक्वल टू टीवीसी है तो भी फर्म को प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर फर्म को जो है वो फिक्स कॉस्ट का बर्डन तो उठाना ही पड़ता है। उसके बाद आ गया जी कितना काम करना चाहिए जहां पर टीआरडीसी का गैप सबसे ज्यादा हो, और एमआरएमसी अप्रोच में कितना प्रोडक्शन करना चाहिए या एमआर इक्वल टू एमसी, और एमसी का कट करता हूं एमआर को फ्रॉम बिलो। इसके बाद लॉन्ग रन के अंदर क्या है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग रन के अंदर ये सारी कॉस्ट जो वो और ये बराबर होगा क्या, शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एमआर इक्वल टू एआर इक्वल टू मिनिमम एलएसी इज इक्वल टू एसएससी। तो ये कंडीशन है जहां पे आपका लॉन्ग रन के अंदर फॉर्म किसमें होगी, इक्विलिब्रियम में। तो लॉन्ग रन रेफर टू वो पीरियड ऑफ टाइम है जहां पे प्रोड्यूसर गेट करता है सफिशिएंट टाइम, प्रोड्यूसर को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है एडजस्ट करने का देयर सप्लाई अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड कंडीशन ऑफ द डिमांड। मतलब लॉन्ग रन के अंदर फॉर्म इक्विलिब्रियम होगी व्हेन, जब उसका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एलएमसी जो इक्वल होगा किसके, मार्जिनल रेवेन्यू के, एंड लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कर्व जो है वो कट करेगा एमआर कर्व को फ्रॉम बिलो। तो यहां ये बात बस ध्यान रखना कि लॉन्ग रन के अंदर ये सारी कॉस्ट, शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट, और एमआर और एआर दोनों क्या होंगे, ये सब कुछ बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट। चलो जी, अब ये बात ध्यान रखना कि परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फर्म जो है लॉन्ग रन के अंदर ओनली क्या कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फर्म शॉर्ट रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, मिनिमम लॉस भी उठा सकती है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर हर एक परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फर्म जो है वो हमेशा क्या कमाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद आएगा प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन मोनोपोली। मोनोपोली के पहले तो मोनोपोली एक ऐसा मार्केट सिचुएशन है जहां पे सिंगल सेलर होगा और जो वो सामान बनाएगा सर कोई क्रॉस सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, एंड एंट्री के ऊपर क्या है, बैरियर्स है। फीचर बता रखे मोनोपोली जो है वो इंडस्ट्री भी है और फर्म भी है। दूसरा, कोई क्रॉस सब्सिट्यूट नहीं है, प्राइस मेकर है, वन सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर है। आगे रिस्ट्रिक्शन है ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड द एब्सेंस ऑफ द सप्लाई कर्व। तो मोनोपोली साइमल्टेनियसली एग्जामिन करेगा डिमांड को एंड कॉस्ट को जब वो डिसाइड करता है हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू चार्ज। मोनोपोली के अंदर एमसी कर जो है इज नॉट द सप्लाई कर, इट इज बिकॉज मोनोपोलीज कैन सेल डिफरेंट क्वांटिटी टू द कमोडिटी एट द डिफरेंट प्राइस। कारण बता रखे हैं, बेसिक बेसिक से देख लेना। अब ये है आपका कर्व,
और ये conditions है। तो कर्व जो है वो कैसा रहेगा, लेस इलास्टिक रहेगा। जो रेवेन्यू कर्व वो क्या रहेगा, लेस इलास्टिक, क्योंकि मोनोपोली के अंदर अगर आप प्राइसेस को चेंज भी करते तो आपकी डिमांड पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। इक्विलिब्रियम की फिर वही कंडीशन, शॉर्ट टर्म के अंदर एक मोनोपोली फर्म जो है वो तीनों चीज फेस कर सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी, मिनिमम लॉस भी। कंडीशन वही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन MC = MR, AR ग्रेटर देन AC। नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन MC = MR, AR = AC, और मिनिमम लॉस में भी MC = MR होगा, और आपका जो AC है लॉस उठाएंगे किसका, ABC का, AFC का, ठीक है ना। और शॉर्ट और लॉन्ग रन के अंदर जो मोनोपोली फर्म है वो हमेशा क्या करेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और कंडीशन क्या रहेगा, AR > LAC। इसके बाद मोनोपोली पावर जो है उसकी डिग्री बता रखी है, 3 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये क्या बोलता है, बोला ए मोनोपोलिस कैन डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट ऑफ द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहां पे आएगा क्या, मोनोपोली की पावर को नापने के आपके पास में दो मेजर है, एक है लर्नर मेजर, एक है बेंस मेजर, ठीक है। अब लर्नर मेजर जो है उसके अंदर फॉर्मुला जो रहेगा वो क्या रहेगा, मोनोपोली पावर इज प्राइस माइनस में एमसी अपॉन में प्राइस, और जो बेंस मेजर में फॉर्मुला वो है AR माइनस में AC। अब एक टर्म आती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग लोगों से अलग अलग रेट चार्ज करना, इज नोन एज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन जो है वो तीन तरीके से आपको देखने को मिलेगा, या तो होगा पर्सनल, मतलब अलग अलग लोगों से अलग अलग रेट चार्ज करना, ज्योग्राफिकल अलग अलग एरिया के अंदर सेम प्रोडक्ट का अलग अलग रेट चार्ज करना, और एक होगा डिफरेंट यूज के हिसाब से आप जो है वो क्या करोगे, अलग अलग रेट चार्ज करोगे, या होगा टाइम के हिसाब से भी आप ऐसा कर सकते हो। कंडीशन ये है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप तब कर सकते हो जब मोनोपोली एग्जिस्ट करता है, तभी लोग जो है वो क्या करेंगे, अलग अलग रेट पे लेंगे, नहीं तो नहीं चार्ज करेंगे। सेपरेट मार्केट हो, डिफरेंस होना चाहिए इलास्टिसिटी और डिमांड में, प्रोडक्शन और कमोडिटी टू ऑर्डर एंड लीगल सैंक्शन मिले आपको, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो थोड़ा बहुत, तो ही जो है वो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हो, अनलेस आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल कब है, तो जब अलग अलग मार्केट के अंदर जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो क्या है, अलग अलग है, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की 3 डिग्री होती है, एक होता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड। फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन जो है ये, इसमें कंज्यूमर जो है कोई भी कंज्यूमर सरप्लस को एंजॉय नहीं करता, मतलब जितना कंज्यूमर प्राइस पे करने में एबल है हम उतना ही उससे क्या कर लेंगे, चार्ज कर लेंगे। सेकंड डिग्री के अंदर कंज्यूमर जो है कंज्यूमर सरप्लस को क्या करता है, एंजॉय करता है, जितना प्राइस वो पे करने में एबल विलिंग है हम उससे कम प्राइस चार्ज करेंगे। और थर्ड डिग्री के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होगा, यहाँ पे इस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हम एंटायर मार्केट को अलग अलग पार्ट में क्या डिवाइड करेंगे, और हर अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट्स के लिए जो है अलग अलग रेट हम डिसाइड करेंगे, जो रियल लाइफ फिनोमिना है बेसिकली। अब क्या मोनोपोली प्राइस हमेशा हाई प्राइस होता है, जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता, मतलब वैसे तो ऑर्डिनरी तो हाई प्राइस ही होता है, लेकिन हमेशा ऐसा मिले ऐसा जरूरी नहीं है। क्या मोनोपोली लॉस पे काम कर सकता है, वैसे तो मोनोपोली से वो लॉन्ग रन के अंदर जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर वो लॉस भी इनकर्ड कर सकता है। इसके बाद है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसके अंदर इसको ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं, लेकिन हर सेलर का सामान जो है एक दूसरे से क्या अलग रहेगा, मतलब आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो देखने को मिलेगी, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। तो मोनोपोलिस्टिक कंडीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है इन विच देयर आर मेनी सेलर ऑफ अ कमोडिटी, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द अदर सेलर इन वन रिस्पेक्ट और अदर। ये जो कॉन्सेप्ट दिया था किसने, प्रोफेसर चैंबरलेन ने, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर है, डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, प्राइस कंट्रोल है, लिटिल बिट कंट्रोल होता है प्राइस पे, और नॉन प्राइस कंपटीशन देखने को मिलेगा, फ्री एंट्री एग्जिट है, ब्रांड लॉयल्टी लोगों का देखने को मिलेगा, सेलिंग कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा, और इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। अब कंडीशन क्या, वही कंडीशन शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटेटिव फर्म जो है वो तीनों कंडीशन फेस कर सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, मिनिमम लॉस उठा सकती है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जो मोनोपोलिस्टिक फर्म है ना वो हमेशा क्या उठाएगी, वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगी। कंडीशन वही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद है जी आपका, हाँ ये देख लेना, लॉन्ग रन में जो है वो क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे, और वहां पे AR जो है वो इक्वल होगा किसके, AC के, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोलिसी और मोनोपोली तीनों के अंदर एक कंडीशन जो आपको मैंने बता दिया, एक बार देख लीजिएगा। It is evident from the above table that in case of long run, under the perfect competition, price जो है वो equal होगा किसके, MC और AC के। Monopoly competition में price equal होगा AC, लेकिन greater होगा किसके, MC के। और monopoly के अंदर price greater होगा किससे, दोनों से, MC से भी और AC से भी, इसलिए वो super normal profit जो है वो earn करता है। Excess capacity क्या होती है, optimum output minus में actual, मतलब जितना आपको output करना चाहिए, अगर आपके actual output के मुकाबले में कम है तो वो जो capacity आपकी रह गई उसको बोलते हैं आप excess capacity। ठीक है। सुपर नॉर्मल, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब ओलिगोपोली, लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ओलिगोपोली। ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट सिचुएशन है जहां पे किसी प्रोडक्ट को बेचने वाले जो है वो क्या होंगे, फ्यू सेलर होंगे। द वर्ड ओलिगोपोली जो है वो दो वर्ड से बना, एक है ओलिगी और एक है पोली। ओलिगो मतलब फ्यू और पोली का मतलब कंट्रोल। तो दस ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट सिचुएशन जहां पे फ्यू लार्ज
firms selling their homogeneous or differentiated product, there is a great deal of interdependence among them. Each oligopoly formulate its policy regarding the price or output with an eye to their effect on the rival. तो दूसरे को देख के हमेशा पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट करने का काम करते हैं. यहाँ पे क्या होगा, फ्यू सेलर होगा. दूसरा, हर सेलर जो है एक दूसरे का म्यूचुअल इंडिपेंडेंस होगा, इंटरडिपेंडेंस होगा. तीसरा, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होगा, मतलब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी यहाँ पे. और ग्रुप बिहेवियर होगा, ठीक है ना. अब ये कुछ बताएगा, होमोजेनस डिफरेंशिएट प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ द फर्म, कोई फर्म बहुत छोटी कोई बहुत बड़ी. एलिमेंट ऑफ मोनोपोली थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा. प्राइस रिजिडिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्राइस में ज्यादा वो चेंज नहीं करता है. नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलता है, और नॉन प्रॉफिट मोटिव के ऊपर भी ये काम करते हैं. एंड सम बैरियर्स टू एंट्री होता है. आप टाइप ऑफ ओलिगोपोली, ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, देख लेना. इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म, सबसे मेन चीज जो है ओलिगोपोली के अंदर वो ये है कि हर ओलिगोपोलिस्टिक फर्म जो है वो क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड होती है. और यहाँ पे जो आपका डिमांड कर हुआ है वो इनडिटर्मिनेटिव होता है. ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन तर्क है, ये किन के डिमांड कर होता है. रीजन ये है, देखो अगर आप प्राइस को रिड्यूस करोगे, आपने प्राइस अगर कम कर दिया ये सोच के कि हम प्राइस अगर कम करेंगे तो बाकी कस्टमर हमारे पास आ जाएंगे, तो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो भी प्राइस को कम कर देंगे. तो आपके प्राइस कम करने पर उन्होंने भी अगर प्राइस कम कर दी तो उनके कस्टमर आपके पास में नहीं आएंगे. अब इसके इससे क्या हो गया, आपके प्राइस कम करने पर क्या आपकी डिमांड पर कोई फर्क पड़ा जाता नहीं पड़ा, तो डिमांड जो है वो कैसी रहेगी, वो आपकी इनलास्टिक रहती है. तो ऊपर का जो पोर्शन रहेगा वो नीचे का पोर्शन कैसा रहेगा, लेस इलास्टिक. और अगर आप प्राइस को बढ़ा दोगे तो आप ही बढ़ाओगे प्राइस को, बाकी नहीं बढ़ाएंगे, तो आपके कस्टमर छोड़ छोड़ के बाकियों पे चले जाएंगे. तो वहां पे प्राइस के बढ़ाने पर आपकी डिमांड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ गया, तो वहां पे आपका डिमांड कर जो है वो क्या रहेगा, मोर इलास्टिक. इसीलिए इन दोनों को मिला करके बनता आपका किंकी डिमांड कर. तो पोल स्वीजी ने इसको जो है वो दिया था किंकी डिमांड कर, जिसमें ऊपर का जो पोर्शन है ये बताएगा आपका क्या मोर इलास्टिक, जब आप प्राइस को जो है वो क्या करते हो, बढ़ाते हो. और नीचे का पोर्शन जो है वो क्या, लेस इलास्टिक, जब आप प्राइसेस को जो है वो क्या कम, आपके द्वारा प्राइस कम करने पर बाकी कम करेंगे नहीं, तो फिर वो क्या, लेस इलास्टिक. और अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया आपने कम किया बाकी भी कम कर दें, तो आपके डिमांड पर ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेस इलास्टिक. आपने प्राइस बढ़ा दिया बाकी नहीं बढ़ाएंगे, तो आपके डिमांड के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा, तो वो क्या, मोर इलास्टिक. इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये बनेगा आपका क्या, किंग की डिमांड कर, बीच में किंग का जाएगा, ठीक है ना. तो ये पोल स्वीजी ने दिया था. और प्राइस रिजिडिटी आपको यहां पे देखने को जो है वो मिलती है ओलिगोपोली मार्केट में. अदर मॉडल थोड़े से ये बता रखे हैं, थोड़ा देख लेना. कॉर्नर मॉडल, बट एंड एजवर्ड स्टेकलबर्ग मॉडर्न के अंदर स्वीजी का किंकी डिमांड का मेन यही चलता है. न्यूमैन दिया था और एक बॉमल ने दिया था सेल्स मैक्सिमाइजेशन 1959 में. ओके जी सर, लो जी ये हो गया आपका कंप्लीट. तो आज हम लोगों ने जो है वो पढ़ा डिमांड, हमने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने साथ में पढ़ा कंज्यूमर सरप्लस, सॉरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर दोनों अप्रोच पढ़ लिया हमने. इसके अंदर जो है वो पढ़ लिया आपका कार्डिनल और पढ़ लिया ऑर्डिनल, साथ में हमने पढ़ा प्रोडक्शन, साथ में हमने पढ़ा कोस्ट, साथ में पढ़ा रेवेन्यू, और लास्ट में पढ़ लिया हमने क्या, मार्केट. तो टोटल मिला के अगर हम बात करते हैं तो हमने जो है वो 8 चैप्टर आज की क्लास में जो है वो क्या, रिवाइज करें, इसको आप कर लो. लगभग एक और आपकी कंप्लीट हो गई है. रिमेनिंग जो रह गया मैनेजमेंट वालों का, आपको अलग से एक वीडियो मिलेगा कल, उसके अंदर आपका पूरा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा. और बाकी जो कॉमर्स वाले हैं, पुरानी वीडियो मैंने डाली हुई है ऑलरेडी, वहां से आप रिमेनिंग जो चैप्टर है, 3 चैप्टर रह गए शुरू के 2 आखिरी का 1, तो वहां से आप कर लेना, ठीक है ना. तो मेन चीज हमने कवर कर दी है इसमें, बाकी इसके एमसीक्यू जो है वो मैं करवाऊंगा 1 तारीख से, ठीक है ना. एक ही क्लास के अंदर इसके पास में जितने भी 2012 से लेके 2021 तक जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे के सारे मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको. तो अभी फिलहाल रिवीजन करो, दबा के रिवीजन करो. कुछ एमसीक्यूज मैंने डाले भी हुए हैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे, वहां से उनको जरूर कर लेना, ठीक है ना. प्रैक्टिस भी करते रहो, रिवीजन भी करते रहो. ओके जी सर, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा. अच्छा लगा अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी वो भी बताइएगा, ठीक है ना. और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं. और प्रीवियस जो वीडियोस है वो जरूर देख लेना रिवीजन का, उससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको. ओके जी सर, चलो एक बार ये करो, बाकी मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.